सभी को पुनः नमस्ते। आज 5वां दिन है और मैं शेयरिंग सुन रहा था। कई लोग कह रहे थे कि आज हम लोग के आपसी इस संवाद का आखिरी दिन होगा। तो कई लोग इसको लेकर थोड़े से भावी व्यक्त कर रहे थे, परंतु मैं कहूँ कि ये हम लोग आपस में संवाद बना रहेगा और आपके स्वयं में संवाद तो बना ही रहेगा। तो कई बार जो हम लोग कहते हैं ना कि ये शिविर शुरू होता है, कभी समाप्त नहीं होता, क्योंकि एक बार हमारे अपने आप में संवाद शुरू हो जाए और फिर कार्यक्रम तो बहुत सारे चलते ही रहते हैं जिसमें आप भागीदार हो सकते हैं। कई लोगों ने जिज्ञासा व्यक्त की थी और भी कई प्रकार की, तो हम लोग उनको भी एड्रेस करने का प्रयास करेंगे। परंतु मैं बताऊं कि एक परिचयात्मक शिविर है, ये पहली पहला इंटरेक्शन है इस कंटेंट को लेकर आपसे। तो हम लोग इसमें बहुत सारी बातों को अभी नहीं रख रहे हैं, थोड़ी आपकी और तैयारी हो जाए, थोड़ा उसका फाउंडेशन तैयार हो जाए, फिर हम लोग उन गहराई और विस्तार की बातों को कर पाएंगे। उन्होंने पहले दिन जो बात शुरू की थी कि न्यायपूर्ण न्याय संगत समाज के मानवीय शिक्षा संस्कार कैसा हो, उसमें बात आई थी कि मानवीय शिक्षा संस्कार से ही मानवीय दृष्टि विकसित हो सकती है, जिससे मानवीय मूल्य मानव के चिंतन में आ सकते हैं और एक बार मानवीय आचरण पूर्वक जीने की योग्यता हो जाए तो फिर उसे हुनर कौन सा चुनना है इसका भी चयन ठीक ठीक हो सकता है। और वो जो व्यक्ति शिक्षा तंत्र से गुजरेगा वो एक समय के बाद एक मानवीय समाज मानवीय व्यवस्था का आधार बन सकता है। कि आप में से कई लोग शिक्षा से जुड़े हैं तो आपको इसकी भूमिका और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही होगी किस तरह से इसकी आवश्यकता है, प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक। ये भी बात हुई थी कि जब भी हम मूल्यों की बात करें तो कुछ गाइडलाइंस, कुछ कसौटी होना जरूरी है उसके लिए, जैसे सार्वभौमिक हो, तर्कसंगत हो, प्रमाणिक हो, संगीत अथवा व्यवस्था कर्म हो, और इस प्रकार से जो कौशल शिक्षा मूल्यधारित होती है और फिर एक न्यायपूर्ण न्याय संगत समाज तैयार हो पाता है, ये पूरा एक प्रक्रिया और क्रम के रूप में दिखाई देता है। फिर उन्होंने देखा था कि मानव चेतना में जीते हुए मानव को तीन आवश्यकताएं हैं, एक तो स्वयं में सही समझ, दूसरा मानव के साथ संबंध और तीसरा शेष प्रकृति के साथ सुविधा। अधिकता की सही समझ की पहली वरीयता है जिस संबंध में सही भाव निश्चित होते हैं और उससे आवश्यक सुविधाओं की पहचान भी हो पाती है, उसकी पूर्ति करने की विधि भी समझ में आती है। इस समझने को ही शिक्षा कहा और संबंध पूर्वक जीना, व्यवस्था पूर्वक जीना, इसको संस्कार कहा। समझने के पूरे आयाम को देखें तो चार स्तरों पर हम जीते हैं, मानव के रूप में, परिवार के सदस्य के रूप में, समाज के एक सदस्य के रूप में, फिर वैसे प्रकृति की इकाई के रूप में, और आज हम लोग अस्तित्व की बात करेंगे। दिखाई देगा कि प्रकृति को चर्चा करने के बाद एक क्या ऐसा शेष रह जाता है जिसको समझना जरूरी है। तो हम लोग जब अस्तित्व की बात करेंगे तो और स्पष्ट होगा। उसी को फैलाएं तो दिखता है कि जब मानव के साथ हम संबंध पूर्वक जी पाते हैं तो हम संबंध में न्याय सुनिश्चित कर पाते हैं, और ये न्याय परिवार से शुरू होता है, विश्व परिवार तक जाता है, और ये जो उभय सुख पूर्वक जीने की योग्यता विकसित होती है ये अखंड समाज का आधार बनता है। ऐसी प्रकृति की बड़ी व्यवस्था में भागीदारी को समझ पाते हैं तो परिवार की व्यवस्था को सुनिश्चित कर पाते हैं, विश्व परिवार व्यवस्था तक फैल के जी पाते हैं, जिससे मानव लक्ष्य की पूर्ति होती है और सार्वभौम व्यवस्था अहम एक हिस्सा बन जाते हैं। तो यहाँ ये बात नहीं कही जा रही है कि इस वर्कशॉप को कर लेने मात्र से अखंड समाज हो जाएगा, सार्वभौम व्यवस्था हो जाएगी, एक डायनामिक प्रोसेस हो सकता है, परंतु आप इस पूरी बात को यदि समझ पाते हैं, जी पाते हैं, तो आप अखंड समाज के एक स्तंभ बन जाते हैं। आपके व्यवहार में अखंडता होगी, आपके जीने में सार्वभौमता होगी, ये निश्चित हो सकता है। ये बात एक महत्वपूर्ण है जो अपने को ध्यान में रखने की जरूरत है, और ये मानव चेतना का पूरा अर्थ है। तो हमें इस तरह के एक ट्रांसफॉर्मेशन की जरूरत है, परिमार्जन की जरूरत है, ताकि अभी जहाँ मनुष्य सुविधा संग्रह में फंसा हुआ है, सुविधा कोई भोगने में फंसा हुआ है और उसी में सारा सुख समृद्धि ढूंढ रहा है, उससे निकल कर इस जीने के पूरे फैलाव को देख पाए, जहाँ सही समझ की पहली वरीयता हो, संबंध पूर्वक जीने की योग्यता विकसित हो और सुविधाओं का भी निर्वाह ठीक से हो पाए, सुविधाओं के साथ निर्वाह भी ठीक से हो पाए। फिर ये बात आई थी कि यदि हम पूरे इस कार्यशाला की प्रक्रिया को देखें तो एक जांच परख की प्रक्रिया है। तो मेरी तरफ से कुछ प्रस्ताव जा रहा है, यहाँ हमारे और जो साथी रहे उनकी तरफ से आपको कुछ प्रस्ताव जा रहा है और हम सभी इसको जांचने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे जांच रहे हैं अपनी सहज स्वीकृति के आधार पर। तो इन जो 4 दिन बीते उसमें आपको अपनी सहज स्वीकृति का और ठीक ठीक पता लगा होगा कि हाँ हमारे अंदर एक ऐसी कोई फैकल्टी है, कोई इनेट हमारे अंदर एक ऐसी चीज है जिसके आधार पर हम चीजों को जांच पाते हैं। उसी को जब जी कर देखते हैं और बात सही है तो जीने में सुख मिलता है, समृद्धि मिलती है, और ये जहाँ जहाँ भी जीते उनके साथ जीते वैसा मिलता है, चाहे मनुष्य हो चाहे शेष प्रकृति हो, और फिर ये पुष्ट हो जाता है हमारे अंदर कि हाँ यही
यही है ना, वास्तविकता यही है और यही जीने की विधि है। इसी को समझ का कि जब हमारे अंदर ये डेफिनेटनेस हो जाए, हमारे अंदर निश्चितता हो जाए, तो वो समझ का हिस्सा बन जाता है। तो एक मैं प्रश्न यहाँ आपसे लेता हूँ, चैट बॉक्स में आप रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि पिछले 4 दिनों जितनी बात हुई उसमें से क्या आपको ऐसा लगता है कि जो सहज स्वीकृति है इसकी पहचान आपकी बढ़ी है पिछले 4 दिनों में, आप सहज स्वीकृति को और ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पाते हैं? भैया ये कुमारी पुनीत जी का आया मैसेज में, वॉइस लो है, वॉइस लो आ रहा है या ठीक आ रहा है भैया? भैया मैंने हेडफोन लगा रखा है तो मुझे तो एकदम क्लियर आ रही है। मैं भी अच्छा बिना हेडफोन अच्छा के कभी कभी कम आती है जी। जी, तो मैंने एक प्रश्न किया था कि क्या इन 4 दिनों में सहज स्वीकृति की पहचान अपनी बढ़ी है क्या? ये कई सारे रिस्पॉन्स आ रहे हैं कि बढ़ी है, अब हम ज्यादा स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सहज स्वीकृति बढ़ी है संगीता जी, सहज स्वीकृति की पहचान बढ़ी है ना, ये मैं कह रहा हूँ। एक मैसेज और आया कि वॉइस लो है दिनेश जी का। भैया मुझे लग रहा है वॉइस तो ठीक आ रही है। बस ठीक आ रही है? ठीक जी भैया, हाँ भैया वॉइस बिल्कुल ठीक आ रही है। हो सकता है कि किसी का कनेक्शन में प्रॉब्लम हो, तो ठीक है जैसा जी दशाद भाई ने सजेस्ट किया था एक बार लॉग ऑफ करके लॉग इन कर लें, ठीक हो जाएगा। जी बिल्कुल ठीक है। फिर हमने मानव की मूल पहचान, मूल चाहना को पहचानने का काम किया था, तो दिखता है कि मानव की जो मूल चाहना है वो सुख समृद्धि और इसकी निरंतरता है। और सुख का अर्थ क्या है? संगीत अथवा व्यवस्था में होना, यानी एक ऐसी स्थिति में होना जिसमें हम निरंतरता चाहते हैं। समृद्धि का अर्थ क्या है? तो जो भी सुविधा है जिसकी हमको आवश्यकता है उसकी पहचान ठीक ठीक से हो जाए और हमारे अंदर ये भाव हो जाए कि उससे अधिक हमारे पास उपलब्ध है या हम उत्पादन कर पा रहे हैं। तो ये जब अधिक की उपलब्धि या उत्पादन का भाव आता है मेरे अंदर तो मैं समृद्धि महसूस करता हूँ। इसलिए बहुत जरूरी है कि आवश्यक सुविधा की पहचान ठीक ठीक हो। एक प्रश्न और मैं ले लेता हूँ यहाँ पे कि अभी तक जितनी बात हुई इन 4 दिनों में उससे क्या आपके अंदर समृद्धि का भाव भाव बढ़ा है क्या? समृद्धि का भाव पहले से बेहतर हुआ है, पहले से बढ़ा है इन 4 दिनों के एक्सप्लोरेशन से? प्रभा जी करिए, समृद्धि के भाव को ज्यादा अच्छे से समझ पाए। अंजना जी का एक रिस्पॉन्स है, नो। अंजना जी आप हैंड रेज कर सकती हैं, थोड़ा आपका प्रश्न ले लेंगे। हैंड्स और रेज्ड हैं जी, अंजना जी कुछ कहना चाह रही हैं। अंजना जी जी है, बाद में लेते हैं प्रश्न को। बहुत अच्छा, कई सारे रिफ्लेक्शन आ रहे हैं कि समृद्धि का भाव बढ़ा है, स्पष्टता बढ़ी है, बहुत सुंदर। फिर हमने मानव में संगीत अथवा व्यवस्था की बात की थी और ये दिखता है कि जब अपनी ओर ध्यान देते हैं तो दो तरह की वास्तविकताएं ध्यान में आती हैं। एक शब्द है मैं, जिसे हम अक्सर बोलते रहते हैं। ये मैं क्या है ये कई बार हमें स्पष्ट नहीं होता, तो हम अपने को शरीर के साथ मिलाकर देखने का प्रयास करते हैं कई बार, और उससे क्या होता है जैसे हम इन दोनों को मिक्स किया, इसकी आवश्यकताएं ठीक से पहचान में नहीं आती, आवश्यकताएं पहचान में नहीं आती तो निर्वाह ठीक से नहीं होता, और फिर उसके मूल्यांकन में हमें सुख समृद्धि का भाव नहीं दिखाई देता। इसलिए बहुत जरूरी है कि मैं को समझा जाए और देखा जाए कि शरीर के साथ किस प्रकार से वो जुड़ा हुआ है। तो दिखता है कि मानव जो है वो मैं और शरीर इन दोनों के अस्तित्व के रूप में है, और इसका जो हम लोग अध्ययन करते हैं तो इनकी दोनों की आवश्यकताएं अलग अलग समझ में आती हैं, इनकी क्रियाएं अलग अलग समझ में आती हैं, इनका रिस्पॉन्स यानी निर्वाह प्रक्रिया जो है ना वो भी अलग अलग समझ में आता है। तो दिखता है कि शरीर एक जड़ इकाई है, इसकी हर आवश्यकता जड़ है, इसकी हर क्रिया जड़ है, प्रक्रिया भी जड़ है। इधर देखते हैं जब मैं के ओर ध्यान देते हैं, अपनी ओर ध्यान देते हैं, तो दिखता है कि मेरी ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है जो सामयिक निरंतर बनी रहती है और एक भाव के रूप में है।
क्वालिटेटिव है, और ये जो मेरी आवश्यकता पूर्ति होती है सही समझ सही भाव से होती है, ना कि सुविधाओं से। मैं अपने ध्यान देता हूँ, मुझे अपनी क्रियाएं भी दिखती हैं, इच्छा विचार आशा के रूप में क्रियाएं हो रही हैं, और जो भी क्रिया हो रही है निरंतर है। और मेरी क्रियाओं के मूल में दो तरह की क्रियाएं दिखाई देती है, जानना और मानना। पहचाना निर्वाह करना तो है ही, परंतु ये भी दिखाई देता है कि जानना मानना भी है। और उसमें दिखता है कि कम से कम मानने की क्रिया तो मेरे अंदर चलती ही रहती है, उसके साथ ही मेरा पहचाना निर्वाह करना होता है। परंतु यदि मानना जानने पर आधारित हो जाए तो मानना निश्चित होता है, जानने पर आधारित ना हो तो कुछ मान्यता बन जाती है, उस मान्यता को लेकर हम जीने का प्रयास करते हैं और जीने में चूक होती है। तो अभी जो हम लोग इस पूरे वर्कशॉप में भी काम कर रहे हैं ना, वो जानने का काम कर रहे हैं कि जो वस्तु जैसी है उसको वैसा जान लिया जाए, मैं को मैं की तरह जान लिया जाए, शरीर को शरीर की तरह जान लिया जाए, संबंध में जो भाव है उनको जैसा है वैसा जान लिया जाए। तो दो तरह की काई पहचान में आती है। आप कल जब प्रकृति की बात हो रही होगी तो आपको ये भी ध्यान में आया होगा कि ये जड़ चैतन्य को जितना ठीक ठीक समझेंगे उतना ही हमें शेष प्रकृति भी समझ में आता है। इन दोनों को अगर हम ठीक नहीं समझ पाते, यानी मानव को अगर ठीक से ना समझा जाए तो पूरी प्रकृति समझने में चूक हो जाती है। क्योंकि जो समझने वाला है अगर उसको अपनी ही अस्पष्टता न हो तो जिस वस्तु को समझने का प्रयास कर रहा है उसमें उस अस्पष्टता को जोड़ देता है। कि जितने भी हम हाइपोथेसिस थियरी इवॉल्व करते हैं अल्टीमेटली उसमें चूक रहती है, क्योंकि चैतन्य की अगर समझ नहीं है तो हम हर इकाई को हर क्रिया को जड़ के स्तर पर पहचानने का प्रयास करते हैं और वहां चूक हो जाती है। ये दिखता है कि अगर सामान्य रूप से जीने में भी देखें ना तो ये चूक चलती रहती है। कैसे? अपने आप को शरीर मान लिया तो मेरी आवश्यकता क्या है, जैसे विश्वास सम्मान, और शरीर की आवश्यकता है सुविधाएं। अब उन दोनों को इक्वेट कर दिया आपस में, तो जो मेरी आवश्यकता तो निरंतर है, उसको निरंतरता में पूरा करना चाहते हैं, सीमित सुविधा से कैसा पूरा होगा, तो उसको फिर असीमित बनाने में लगे रहते हैं। फिर जो कार्यक्रम बनता है उसमें होता है कि सुविधा संग्रह में लग जाते हैं, उसके लिए पूरी प्रकृति का शोषण दोहन करते हैं, और उससे हम भी दरिद्र होते हैं और शेष प्रकृति भी दरिद्र होती जाती है। अभी धरती की जो हालत है आप देखें तो धीरे धीरे दरिद्र होती जा रही है। तो एक कुचक्र में फंस जाते हैं कि अपने अंदर यह अभाव बना हुआ है, अभाव कैसे पूरा होगा कैसे दूर होगा ये क्लियर नहीं होता, क्योंकि मूल रूप से यहाँ काम करना है मैं और शरीर के अस्तित्व को समझने का, वो करते नहीं है। इस अभाव को बहुत सारे तरीकों से पूरा करने का प्रयास करते रहते हैं, अल्टीमेटली सुविधाओं के लिए प्रयास करते हैं। और जब इसको प्रयास करते भी हैं और जो भाव मैं को चाहिए सम्मान का भाव स्नेह का भाव वो सब नहीं मिलता, तो फिर इसको सुविधाओं से कॉम्पनसेट करने जाते हैं, फिर वो लगता है कि असीमित है और ये कुछ चक्कर बन जाता है। हमने मानव में संगीत यानी व्यवस्था की बात की थी, और दिखता है कि मैं अपने ध्यान देता हूँ तो मुझे अपने में कल्पनाशीलता दिखाई देती है, और दिखता है मेरी कल्पनाशीलता में कुछ ना कुछ चल रहा है, हर क्षण चल रहा है। उसी को जब मैं क्रिया के रूप में देखता हूँ तो इच्छा विचार आशा की क्रिया दिखाई देती है। अब इस कल्पनाशीलता के स्रोत को देखूं तो दिखता है कि तीन तरह का स्रोत है। एक तो शरीर से आने वाली कोई संवेदना है, जैसे जो हमारी पांच ज्ञान इंद्रियां हैं उससे कोई ना कोई संवेदना आती है, उस संवेदना के आधार पर कई बार हम सुखी होने का प्रयास करते हैं। जैसे कोई रूप की संवेदना आ रही है, कोई रस की संवेदना आ रही है, कोई ध्वनि की संवेदना आ रही है, उससे सुखी होने का प्रयास करते हैं। परंतु उसमें दिखता है कि इसमें न तो निश्चितता है न निरंतरता है, जबकि संवेदना से सुखी होने जाते हैं। निरंतरता हो नहीं सकती क्योंकि शरीर से आ रही है और शरीर में सामयिकता है, निरंतरता हो नहीं सकती। और इसमें जैसे ही हम निरंतर सुख की कल्पना भर करते हैं हम परतंत्र हो जाते हैं, क्योंकि जो पूरा नहीं हो सकता उसमें लगे रहते हैं और स्रोत बाहर बना रहता है। वैसे ही कोई हमने मान्यता बना ली कोई भाव पाने के लिए कि इससे भाव मिलेगा, सुविधा से कोई हमें सम्मान का भाव मिल जाएगा, किसी और विधि से विश्वास का भाव मिल जाएगा, ये सब बहुत सारी मान्यता बना लेते हैं क्योंकि उसकी समझ नहीं होती। तो यहाँ भी परतंत्र हो जाते हैं क्योंकि दूसरे से पाने में लगे रहते हैं, कपड़े के द्वारा, मकान के द्वारा, अन्य साधनों के द्वारा हम दूसरे सम्मान का भाव पाने में लगे रहते हैं, संबंधों में विश्वास को पाने में लगे रहते हैं, और ये परतंत्रता है क्योंकि स्रोत बाहर बना रहता है। परंतु जब हमारा ध्यान हमारी सहज स्वीकृति पर जाता है तो दिखता है कि तो मेरे अंदर है, मेरे भीतर है, और मैं जितना जितना इस पर ध्यान देता हूँ उतना उतना मुझे सही का ठीक ठीक पता लगता है। बाहर की ओर जो निर्भरता थी वो चली गई धीरे धीरे, है ना, और स्वयं में हमको स्रोत दिखाई देता सुख का, ये स्वतंत्रता है। इसी को जब मैं सतत ध्यान देता हूँ, जानता हूँ, परखता हूँ, जी कर देखता हूँ, तो एक ऐसी स्थिति बनने की संभावना है जिसमें समझ की पूर्णता हो जाए। जब मुझमें समझ की पूर्णता होती है तो मेरी पूरी कल्पनाशीलता समझ के आधार पर व्यवस्थित संगीत में निश्चित हो जाती है। अब मेरे अंदर किसी मान्यता का दबाव नहीं रहा, किसी संवेदना का दबाव नहीं रहा, मैं जैसा वास्तव में होना चाहता हूँ वैसा मैं अपने आप की स्थिति को देख पाता हूँ, तो मैं कहता हूँ पूर्णता व्यवस्थित हुआ।
अब जब मेरा व्यवहार होता है, कार्य होता है, तो उसमें उभय सुख होता है, उभय समृद्धि होती है। अब मैं अपने आप में निरंतर सुख की स्थिति में जी पाता हूँ। यही वांछित स्थिति है जिसके लिए हम सब लगे हुए हैं, भले हम इसको सीधा सीधा ना देख पा रहे, चाहते हम यही है। हमें ये नहीं दिखता कि ये जो हैप्पीनेस का डिजायर है हमारे अंदर, अल्टीमेटली वो हार्मनी से पूरा होगा। और ये भी नहीं दिखता कि जो हार्मनी इंश्योर होना है वो स्वयं में होना है। स्वयं में कैसे होना है? समझ से होना है। ये भी अगर हमको शिफ्ट मिल जाए पूरे कार्यशाला में कि अल्टीमेटली अगर मैं कहीं दुखी हूँ, परेशान हूँ, चिंतित हूँ, तो वो मेरी समझ का भाव है। बाहर का कोई कारण सिंपली उसको ट्रिगर कर रहा है। जैसे कई बार लोग कहते हैं ना कि भाई ये हमने रिएक्ट इसलिए किया या हमने ऐसा विरोध इसलिए किया क्योंकि अगले व्यक्ति ने हमारे साथ ऐसा गलत व्यवहार किया। अब यहाँ पे हम फंस जाते हैं, अगले व्यक्ति ने गलत व्यवहार किया, एक घटना है, उस गलत व्यवहार से हमारे अंदर जो विरोध का भाव आया हम उसको ओमिट कर देते हैं, उसको नहीं देख पाते हैं। उस विरोध के भाव से मैं दुखी हुआ, अगर वहां विरोध का भाव नहीं आता, समझ होती, नहीं दुखी होते, नहीं परेशान होते। तो अब ये स्वतंत्रता है जब मेरे सुख का स्रोत मेरे भीतर बना रहता है। अब बाहर कुछ भी होता रहे उससे मेरा सुख प्रभावित नहीं होता, बल्कि जो बाहर हो रहा है उसके लिए मैं अपनी तरफ से एक निश्चित कार्यक्रम बना पाता हूँ जिसमें वहां मैं व्यवस्था सुनिश्चित कर पाऊँ। तो अभी जहां हम दूसरों से कुछ पाकर, चाहे शरीर हो, चाहे दूसरा मनुष्य हो, सुखी होने में लगे हुए थे, उसके मुकाबले अब हम स्वयं में समझ को पुष्ट कर पाते हैं और अपने आप में सुखी बने रहते हैं और उसके साथ सुख को शेयर करते हैं। ये बात नहीं लगता आप सभी देख पा रहे होंगे। फिर हम लोगों ने सेल्फ और बॉडी के पोजिशन की और डिटेल में बात की थी, समृद्धि और स्वास्थ्य ध्यान में आया था। ये दिखता है कि शरीर में व्यवस्था हो जाए उसको स्वास्थ्य कहते हैं, परंतु व्यवस्था कैसे होगी? जब स्वयं में संयम का भाव होगा। संयम का भाव का मतलब शरीर के प्रति जिम्मेदारी का भाव। किस बात की जिम्मेदारी का भाव? तो शरीर के पोषण का, संरक्षण का, सदुपयोग की जिम्मेदारी का भाव। पोषण के लिए भोजन की आवश्यकता है जो सीमित मात्रा में है, संरक्षण के लिए कपड़े और मकान की आवश्यकता है जो सीमित मात्रा में, सदुपयोग के लिए साधनों की आवश्यकता है जो सीमित मात्रा में। इससे शरीर मेरे अनुसार कार्य कर पाता है, शरीर के सभी अंग प्रत्यंगों की व्यवस्था हो पाती है। मैं सारे हैंड्स लोअर कर देता हूँ। इतनी चर्चा को लेकर यदि कोई प्रश्न किन्हीं का बना हो तो प्रश्न ले सकते हैं। जी हेमंत निगम जी। सर एक चीज क्लियर करनी थी, जो मान्यताएं है या मानना है या निर्वाह करना है, और कुछ चीज ये चीजें सभी चीजों पे लागू होती है या कुछ चीजों पे लागू होती है? हम अपनी हर जगह सही समझ और आकलन नहीं कर सकते कुछ चीजों में, क्योंकि आप एक में फॉर एग्जांपल सपोज एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं और बीमार है हम, वो इलाज करता है हमारा, दवाई देता है, तो वहां पर हमारी सही समझ या आकलन हर चीज पे तो हम नहीं कर सकते। वो जो बोलता है, जो दवाई देता है, हम खा लेते हैं और उसको हम मानते भी हैं, उसका निर्वाह भी कर लेते हैं। सपोज करो इंजीनियर है एक, आप इंजीनियर है, आप सिविल इंजीनियर हो, मैं मकान बना रहा हूँ, आपने बताया मकान में इस टाइप का इतना लोहा लगेगा, इतने एमएम का, मेरे को वहां पर अपना ना आकलन कर सकता हूँ ना ही सही समझ लगा सकता हूँ। यहाँ हमको मानना भी है और निर्वाह भी करना है। तो जो सेल्फ मोटिवेटेड है, एजुकेटेड है, जिस फील्ड में हमारी नॉलेज नहीं है, तो उस फील्ड में तो हम उसको सही स्वीकृति स्वीकार भी करना है, निर्वाह भी करना है और मानना भी है। जिस चीज में हमारी नॉलेज नहीं है वहां तो हम ये कर, जिस चीज में हमको थोड़ी भी नॉलेज है तब वहां हम अपना आकलन भी कर सकते हैं, सही समझ भी लगा सकते हैं, उसको मानना ना मानना ये हमारे ऊपर है, फिर हम उसमें डिसीजन ले सकते हैं। इसमें आपका क्या कहना है? ये दोनों चीजें अलग ही है या एक है? इसको ध्यान से देखेंगे तो कुछ चीजें सूचना की होती है जी, सूचना जांचने की वस्तु नहीं है जी। जैसे कोई सूचना हमें मिले कि कहीं पे कोई घटना हो गई तो सूचना मिलती है हमको, कोई डॉक्टर कोई प्रिस्क्रिप्शन लिख रहा है हमारे लिए जी, तो मैं क्लैरिफाई करता हूँ, तो कोई दवा के बारे में जानकारी लिखी है ना जी, जानकारी, तो जो व्यक्ति उस जानकारी को जुटाया हुआ होगा अपनी स्मृति से कह सकता है कि जानकारी सही है कि गलत है, वो एक बात है। जांचने का जो मुद्दा है वो समझ और भाव है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो डॉक्टर है उसके अंदर मेरे प्रति पोषण का भाव है या शोषण का भाव है, ये तो जांच सकते हैं ना। लिख रहा है सर, हम किसी एक MBBS MD डॉक्टर के पास गए तो हमारा शोषण पोषण क्यों करेगा, शोषण क्यों करेगा? हम तो पढ़ाई लिखा है, हम बीमार है, उसके पास गए, उसने हमको दवा लिख दी, और हम उतने एजुकेटेड नहीं है कि हमने मेडिकल के बारे में पढ़ा हो, हम गए प्रिस्क्रिप्शन मेडिकल स्टोर पे दी, हमने दवा खा ली, हम ठीक हो गए।
दूसरा एग्जांपल देता हूँ, मैं एक दूसरा एग्जांपल देता हूँ। मेरे अंकल थे, मैंने बिजनेस जब स्टार्ट किया तो मुझे बिजनेस की कोई नॉलेज नहीं थी, लेकिन चूंकि मेरे अंकल हैं वो लगभग 30 वर्षों से सक्सेसफुल बिजनेसमैन रहे, उनने हमको कुछ टिप्स दी, ठीक है। अब मुझे वहां मानना भी है, निर्वाह भी करना, वहां ना जांच सकते ना परख सकते, जो उन्होंने बोला मैंने उसको फॉलो किया, मैं सक्सेसफुल भी हुआ लाइफ में। लेकिन वही उनके बेटे ने अपना दिमाग लगाया और उसने उनकी बातों को फॉलो नहीं किया, जो क्योंकि वो हमारे आइकॉन है, वो सक्सेसफुल है, हम आइकॉन्स है जो महापुरुष है उनसे ही सीखते हैं मोटिवेशन के तौर पे, और उनकी चीजों को फॉलो करते हैं। आपकी बात स्पष्ट हो गई है, मैं थोड़ा उत्तर दे दूं इसका। जी तो, सर बस मतलब जानकारियां बहुत तरह की हम शेयर कर सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में। जैसे यदि आप अपने बारे में देखें, आप क्या व्यवसाय करते हैं? मैं आईटी में आईटी प्रोफेशनल हूँ। आईटी प्रोफेशनल है, तो जैसे आप जो कार्य करते हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं या किसी के साथ इंटरेक्शन कर रहे हैं, हार्डवेयर सप्लाई, तो आप अपने आप में ये तो जांच के देख सकते हैं ना कि आपके अंदर जो भाव है वो दूसरे को समृद्ध बनाने का है या दरिद्र बनाने का है। वो चीज अलग है, मैं उसकी नहीं कह रहा हूँ। सपोज जो वेट यही जांचने का मुद्दा है, बाकी जानकारियां, हाँ जानकारियां तो हम जानकारी लेते हैं और उसको किसी हम मापदंड से या किसी मानक से या किसी अपनी स्मृति से मिलाकर देख लेते हैं कि मेल खा रहा है कि नहीं, है ना। जैसे अभी आपके सामने एक भाषा लिखी हुई है हिंदी में, ठीक है ना। अब किसी व्यक्ति को अगर हिंदी नहीं आती हो, इस जो अक्षर बने हुए हैं उनका क्या अर्थ है वो नहीं पकड़ पाएगा जी। तो जानकारी का मुद्दा है, अगर हमने भी हिंदी नहीं सीखी होती, कोई और भाषा सीखी होती, तो हम इस बात को नहीं पढ़ पाते ना, आपसे कह पाते जानकारी का। परंतु हमारे अंदर जो भाव है, इस हिंदी को बोले, तमिल को बोले, अंग्रेजी को बोले, वो अगले को समझदार जिम्मेदार बनाने का भाव है या कुछ अन्यथा है, इसको जांच सकते हैं। हाँ, ये वो तो जानकारी है। ये भाषा जो जानकारी है, ये जानकारी वो ये है कि दोनों चीजों को अलग अलग डिफरेंशिएट करें, जहां हमको जरूरत है उस चीज की जानने की, तो हम उसको जाने माने और तभी उसका निर्वाह करें अपने आकलन से, सही समझ से। लेकिन कुछ चीजें फिक्स होती है जहां हमको ना जानना है ना मानना है, सिर्फ निर्वाह करना है कि ठीक है ये सही है और वो हमसे एजुकेटेड है ज्यादा, हमसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो सही बोल रहा है, तो हम उसमें हर जगह। तो प्रकृति ऐसा, प्रकृति चीजें फिक्स है, हम प्रकृति को डिनाई नहीं कर सकते, वहां मानना ही है और निर्वाह भी करना है हमको कि ये चीजें प्रकृति अपना नेचुरल है। अब जैसे कंपनी का होना है, जी हाँ। जी मैं इसको स्पष्ट कर दूं, तो दो अलग अलग हाँ। क्षेत्र हो गए, एक तो समाज और भाव का क्षेत्र है जिसमें हम जांचते हैं, एक सूचना और जानकारी का क्षेत्र है, बिल्कुल, है ना, जिसको हम दूसरे से लेते हैं, उसको मानने से शुरू करते हैं और फिर उसको प्रयोग करते हैं, प्रयोग अभ्यास द्वारा उस मान जो भी हमने माना है उसमें हम परिवर्तन भी करते हैं जी। तो ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको थोड़ा सा डिफरेंशिएट करके चले, है ना जी सर। थैंक यू जी। चैलेंज जी एंड देन अंजना खरे जी, हेमंत जी तो हो गए, शैलेन जी, अंजना खरे जी, हेलो जी, नमस्कार सर। हेलो सर, नमस्कार। हेलो सर, शैलेन जी जरा अंजना जी कुछ बात रख रही है। जी उसके बाद आपको ले लेते हैं। हाँ अंजना जी। सर अभी जैसे सर ने कहा कि वो उनके चाचा ने उनको आइडिया दिया बिजनेस का, तो उन्होंने उसको स्वीकार किया और उसके बल पर आगे बढ़ गया और समृद्ध भी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर उनका कहीं ना कहीं चाचा के प्रति विश्वास था, इसलिए उन्होंने उस बिजनेस को माना और किया। हेलो सर, सुन रहे हैं? आवाज आ रही जी, इसको मैं और थोड़ा क्लैरिफाई कर दूं, ये विश्वास का मुद्दा नहीं है। तो फिर यदि उनको कोई और बोलता, चाचा के अलावा कोई और कहीं से ही बोलता, तो इस बात को नहीं मानते जी। इसको थोड़ा क्लैरिफाई कर दें, उनको पता है कि वो उनका शोषण नहीं करेंगे, पोषण ही करेंगे, तो यहाँ कहीं ना कहीं मुझे विश्वास और पोषण समझ में आ रहा है। तो आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? बात है और डॉक्टर के जो कहने की बात है, तो हम पहले ही पता कर लेते हैं, या हमारे पहले से जो डॉक्टर रहते हैं उनके पास जाते हैं, पहले जांच लेते हैं कि कौन सा डॉक्टर अच्छा है। उन्होंने विश्वास के भाव की बात की थी, तो दिखता है कि धरती का हर मानव मुझे सुखी समृद्ध करना चाहता है,
तो ये आश्वस्ति तो हमें हर मानव के प्रति होती है, उसके साथ हम अगले व्यक्ति की योग्यता की आकलन करते हैं, उस योग्यता के आकलन के आधार पर कार्यक्रम बनाते हैं। ठीक हो गया जी सर? ओके सर, थैंक यू सर। नमस्कार, मैं शैलेंद्र बोल रहा हूँ सर। सर जैसे अभी अपनी चर्चा में एक ये भाव आया कि हम लोग किसी को सुख पहुंचाना चाहते हैं या उनको श्रमद करना चाहते हैं, पर दूसरे के भाव की वजह से दूसरे के रिएक्शन ऐसे हो जाते हैं कि हम उनके उससे दुखी हो जाते हैं, या मतलब हम तो करना चाहते हैं, जैसे अभी बाद में चर्चा में भी हुआ कि ऐसा हो जाता है, तो फिर उनके रिएक्शन से या उनकी बातों से हम दुख करते हैं और फिर उनको दुखी के रूप में देखने लगते हैं। तो सर इसको कैसे सिंप्लीफाई किया जाए, इसको कैसे अपन सुख में या श्रमदता में हमारे भाव को बनाए रखें, क्योंकि हमारी इच्छा, हमारी चाह तो यही कि सामने वाला जो भी है वो सुखी रहे, श्रमद रहे, पर उनके व्यवहार से हमें कुछ दुख हो जाता है या हम समझ नहीं पाते। इसमें भी आप देख लें कि जब उनका व्यवहार आपको ठीक नहीं लगता है तो आपकी इच्छा तब भी उनको सुखी करने की बनी रहती है या बदल जाती है? सर उस समय कुछ चीज समय के लिए तो बदल जाती है कि हम तो इतना इनको सुख या समझ के लिए कर रहे हैं और ये हमें ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं, तो हम फिर वो कंटिन्यू नहीं रख पाते हैं, हमारा थोड़ा सा विचार या उनके प्रति जो भाव है वो चेंज हो जाता है, पर हम चाहते हैं कि वो निरंतरता बनाए रहे। हो सकता है वो उनकी कुछ परिस्थिति या कुछ ऐसी समझ होगी इस वजह से वो बोल रहे, वो हम भाव ला नहीं पाते हैं सर। इसमें ये जो कल और परसों भी हमने बात किया था विश्वास के भाव को लेकर, तो जब मेरे अंदर इस बात की आश्वस्ति होती है कि अगला आदमी चाहता तो मुझे सुखी ही करना है, परंतु कहीं ना कहीं समझ के अभाव में, मान्यताओं के दबाव में मेरे साथ कुछ अन्यथा व्यवहार कर रहा है, तो मेरी फिर इच्छा नहीं बदलती सर। यही तो कुल करने का काम है। अभी जो मेरी इच्छा बदल जाती है वो मेरी समस्या है, अगला व्यक्ति जो भी व्यवहार कर रहा हो उससे मेरी इच्छा जो बन जाती है उसको दुखी करने की या अन्यथा कुछ है ना, वो मेरी समस्या है, उस पर तो मुझे ही काम करना पड़ेगा, अगले व्यक्ति को भी अपने ऊपर काम करना होगा। हाँ हाँ बिल्कुल सर, उसमें भी समझ नहीं बनी है तो उसको भी अपनी समझ विकसित करने के लिए काम करना होगा। सर तो ये समझ तो हमें है कि हम समझ विकसित करना, ये भाव उनके पास नहीं है भी, या वो समझ नहीं पा रहे हैं, उनके पास ऐसा नॉलेज या ऐसा गाइडेंस नहीं मिला है, तो वो ये बात को देखें समझें, हमारे जिम्मेदारी बढ़ जाती है इसी भाव में, क्योंकि हम जानते हैं या हमने ऐसे वर्कशॉप या ऐसे भाव हमने पैदा किए हैं, तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है इस सिस्टम को, इस व्यवहार को संभालने की, ऐसा कुछ सर? हाँ, तो फिर जब आप में समझ होती है ना तो अगले व्यक्ति तक आप भी समझ को संप्रेषित कर पाते हैं, जैसे ये जो कार्यशाला हो रही है ये समझ को विकसित करने का ये प्रयास है। बिल्कुल, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है। तो ऐसे ही किसी प्रयास से अगले व्यक्ति के अंदर समझ हो सकती है, अल्टीमेटली उसके अंदर जांच परख की प्रक्रिया शुरू होनी है, वो वर्कशॉप के माध्यम से हो सकता है, आपसी संवाद से हो सकता है, अभी जब हम आपस में बातचीत भी करते हैं उसको हम थोड़ा देखें, आपस की बातचीत में हम कितनी बार सही को प्रपोज करके उसको जांचने का ऑफर देते हैं दूसरे के सामने, और कितनी बार हम सिंपली जानकारियों और घटनाओं की बात करते रहते हैं, कितनी बार हम है ना किसी के समझ के अभाव को फैला कर बताते रहते हैं दूसरे को, तो सब अपने लिए जांचने पर रखने का मुद्दा है। अनिता जैन जी कुछ कहना चाह रही है? अनिता जैन जी आपने हैंड रेज किया है? जी भैया, अभी जो स्लाइड सामने है मेरी उसमें अभी भी सूचना निर्देश और संवेदना इसको लेकर मेरी स्पष्टता नहीं देख पा रही हूँ मैं अपने में। सूचना तो निर्देश और संवेदना ये दोनों हैं तो सूचनाएं हैं, जैसे मैं आपसे कुछ कह रहा हूँ, क्या कहना है इसका मैंने निर्णय लिया और ये सूचना मैंने शरीर को दी, फिर वो मुंह के माध्यम से शब्द के रूप में आप तक पहुंच रहा है, ये निर्देश है जो मैंने शरीर को दिया मेरे, आप जो कुछ कह रहे हैं तो उसको मैं सुन रहा हूँ, तो कानों में ध्वनि गई, ध्वनि फिर एक सूचना के रूप में मुझ तक पहुंची, मैंने उसका अर्थ निकाला और फिर मैं तय करता हूँ कि मुझे क्या कहना है। तो आप देखें तो शरीर के साथ सतत रूप से ये सूचना का आदान प्रदान हो रहा है, मेरे द्वारा शरीर को निर्देश दिया जा रहा है, शरीर से मुझे सूचना आ रही है, संवेदना आ रही है, ये दोनों ही देखें, निर्देश हो या संवेदना है तो सूचना इन्फॉर्मेशन है। जी भैया, अब स्पष्टता हुई, थैंक यू। तो शरीर के सदुपयोग के लिए, शरीर के स्वास्थ्य के लिए सुविधा की आवश्यकता है, और इस मुद्दे पे जब हम ठीक से ध्यान देते हैं तो दो चीजें निकल कर आती है निष्कर्ष के रूप में, एक तो समृद्धि के लिए कार्यक्रम निकल कर आता है, दूसरा स्वास्थ्य के लिए कार्यक्रम निकल कर आता है। तो समृद्धि के लिए दिखता है कि पहला काम तो यह है कि सुविधा की आवश्यकता की निश्चित पहचान हो जाए, फिर उससे अधिक के उपलब्धि के लिए उत्पादन किया जाए,
या उत्पादन में भागीदार हुआ जाए। और इसमें मुझे लगता है कि जो मुख्य मुद्दा है वो तो आवश्यकता की पहचानना ही है। अगर आवश्यकता को ठीक ठीक पहचान पाते हैं तभी उससे अधिक होने का भाव आएगा। ये भी दिखता है कि जब मैं समृद्ध महसूस करता हूँ तो दूसरे का पोषण करने की सोचता हूँ, सदुपयोग करने की सोचता हूँ। यदि दरिद्र महसूस करता हूँ ना तो संग्रह करने की सोचता हूँ, शोषण करने की सोचता हूँ। तो ये एक लिटमस टेस्ट है, एक टेस्ट है अपने आप में जांचने परखने का कि हमारे अंदर भाव क्या है दूसरे का पोषण करने का या शोषण करने का। शरीर में स्वास्थ्य की बात करें तो कार्यक्रम के रूप में दिखाई देता है कि कुछ चीजें हैं जो हम नियमित रूप से कर सकते हैं, जैसे आहार विहार और श्रम। इनका अगर ठीक से ध्यान रखा जाए तो शरीर के लिए काफी संभावना कि स्वास्थ्य बना रहेगा। परंतु यदि कहीं श्रम कम पड़ जा रहा है या विहार की संभावना कम है तो व्यायाम कर लें, आसन प्राणायाम कर लें, जिससे शरीर के आंतरिक बाह्य है ना बाह्य अंगों को नियमित कर पाए। ये 1, 2, 3 देखें तो ये प्राइमरी प्रोग्राम है, उसमें भी 1A को देखें तो मोर प्राइमरी है ना। अगर उससे बात न बने तो हम ये 1B पे जा सकते हैं। अगर 1 से न बने काम तो हम फिर 2 पे जा सकते हैं, जिसमें अगर कभी शरीर में कोई अस्थायी रूप से अव्यवस्था आ गई, जुकाम हो जाए, खांसी हो जाए, कहीं प्रकृति से है ना कहीं हमारा इंट्रैक्शन हुआ और कोई प्रभाव पड़ गया तो औषधि ले सकते हैं। अगर इससे ही बात न बने तो हम फिर शरीर के सही कार्य करने के लिए दवा ले सकते हैं या किसी मशीन का प्रयोग कर सकते हैं। और इससे भी ना बने तो फिर उपचार शल्य चिकित्सा में जा सकते हैं, ये शल्य चिकित्सा आखिरी विकल्प है। तो ये बात हमको समझ में आया। तो अभी क्या होता है अगर हम सुविधा की आवश्यकता को देखने जाए ना, तो कई बार हम पहले दूसरे तीसरे वाले काम को नहीं करते हैं जो यहाँ लिखा हुआ है, और हमको लगता है कि अल्टीमेटली कहीं ना कहीं शल्य की जरूरत पड़ेगी, और कितने की जरूरत पड़ेगी कहना मुश्किल है। तो जब हम स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार नहीं होते हैं संयम के भाव के साथ, तो हमारी सुविधा की जो आवश्यकता भी बढ़ी हुई दिखाई देती है। इससे समृद्धि और स्वास्थ्य जुड़े हुए हैं। अगर हम स्वास्थ्य का ठीक से ध्यान रखेंगे तो हमको सुविधा की आवश्यकता ठीक ठीक पहचान में आती है। अगर नहीं ध्यान रखेंगे कितना खर्च करना पड़ेगा कहना मुश्किल है, फिर हमको लगता है सुविधा की आवश्यकता बहुत ज्यादा है। तो इस कार्यक्रम को ठीक से हम लेके चले तो शरीर में स्वास्थ्य बना रहता है, यानी शरीर मैं के अनुसार कार्य करता है, शरीर के अंग प्रत्यंगों के बीच व्यवस्था बनी रहती है। फिर हमने परिवार में व्यवस्था पे बात की और दिखता है कि परिवार का मतलब है संबंध, और संबंध कहाँ है, मैं का मैं से है, और संबंध में जो भी भाव है वो निश्चित है, उनकी पहचान निश्चित हो सकती है। उसका निर्वाह करने से, मूल्यांकन करने से हम भी सुखी होते हैं, अगला व्यक्ति भी सुखी होता है। इसी क्रम में ट्रस्ट से लेकर लव, विश्वास से लेकर प्रेम तक के भावों की बात की थी। तो तीसरे दिन हम लोगों ने विश्वास और सम्मान की बात की थी, कल हम लोगों ने स्नेह से लेकर प्रेम की बात की थी। विश्वास का मतलब ये हुआ कि हमें ये अपने आप में दिख जाता है कि अगला व्यक्ति तो मुझे सुखी ही करना चाहता है, समझ के भाव में नहीं कर पाता है, समझ के भाव में खुद भी सुखी नहीं रह पाता है, मुझे भी नहीं कर पाता है, मैं भी दूसरे को सुखी करना चाहता हूँ, समझ के भाव में भले ना कर पाऊँ, ये विश्वास है। तो एक प्रश्न मैं और आपसे लेता हूँ, चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं कि अभी जितनी चर्चा हुई उससे आपके अंदर क्या लगता है, ये दूसरे की चाहना पे जो आश्वस्ति है वो बढ़ी है क्या पिछले 4 दिनों की चर्चा में? अगर हम देखें तो दूसरे की चाहना पे आश्वस्ति यानी विश्वास का भाव आपके अंदर बढ़ा है क्या? चैट बॉक्स में रिस्पॉन्ड कर सकते हैं। ये बहुत सुंदर, सभी कह रहे हैं बढ़ा है ना। आप देखेंगे कि अगर हमारे अंदर विश्वास का भाव ना हो दूसरे के प्रति ना, तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ रिएक्शन चलता रहता है। भले ही हम दूसरे के सामने रिएक्ट तो कभी कभी करें, परंतु अपने आप में एक इनर रिएक्शन तो चलता ही रहता है। उस इनर रिएक्शन से आप फ्री हो जाते हैं, आप बहुत आराम महसूस करते हैं। इसको थोड़ा आप ऑब्जर्व करिए कि इनर रिएक्शन आपका कम हो रहा है कि नहीं। तो दूसरा कुछ गलती कर रहा है या दूसरा हमारी वांछित विधि से नहीं कार्य कर रहा, जैसा हम सोचते हैं वैसा नहीं चल रहा, उसके कारण हमारे अंदर जो रिएक्शन बिल्डअप होता रहता है और धीरे धीरे अगर हम अपने आप में भी होते हैं तो हमको परेशान कर रहा होता है, उससे हम फ्री हो पा रहे हैं कि नहीं? हमको दिखता है कि अगला जो भी गलती कर रहा है समझ के भाव में कर रहा है, ये अपने आप में एक ऑब्जर्व करने की बात है। फिर हमने सम्मान की बात की थी, तो सम्मान का अर्थ दिखता है कि समय का आकलन, यानी जैसा है वैसा मैं मूल्यांकन कर पाऊँ। तो विश्वास के साथ ये होता है कि चाहना जैसी है वैसी मूल्यांकित हो जाती है कि हाँ ठीक है, सबकी चाहना ठीक है। सम्मान के साथ हमारा मूल्यांकन और बढ़ जाता है। तो दिखता है कि सिर्फ चाहना ही नहीं, कार्यक्रम भी दूसरे का मेरे जैसा है। क्या है कार्यक्रम? व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना। क्षमता भी दिखता है कि हर एक व्यक्ति में है ही, जैसे मैं समझ सकता हूँ वैसे अगला व्यक्ति भी समझ सकता है, अलग अलग समय लग सकता है, इतना भर है।
इन तीन मापदंडों पे तो दिखता है कि दूसरा मेरे जैसा है। चाहना यानी सह स्वीकृति यानी लक्ष्य में हम एक समान है, कार्यक्रम में एक समान है, क्षमता में एक समान है। फिर फर्क पड़ता है योग्यता में। तो अगर दूसरा मुझसे अधिक समझदार जिम्मेदार है तो दूसरे समझने के लिए तत्पर रहता हूँ। अगर मैं अधिक समझदार जिम्मेदार हूँ तो मैं पहले उसे जिम्मेदारी पूर्वक जीता हूँ बिना प्रभावित हुए, बिना किसी शर्त के, और फिर दूसरे को समझने में सहयोग करने तत्पर रहता हूँ, उसके लिए मैं दूसरे को आश्वस्त करने का प्रयास करता हूँ। ये पूर्ण सम्मान है। फिर हमको दिखता है कि हम एक दूसरे के पूरक हैं। तो ये दिख जाता है अपने को कि इन तीन चीजों में ना देखें, लक्ष्य यानी चाहना, कार्यक्रम, क्षमता में सभी एक समान है, सिर्फ योग्यता वेरिएशन है। हो सकता है मैं कहीं यहाँ पे हूँ जिसको मैं वन लिखा है, और दूसरा कम योग्य है, कोई और है जो ज्यादा योग्य है। तब मैं हर एक की समझ की योग्यता का ठीक ठीक आकलन करके फिर उसका कार्यक्रम बना पाता हूँ, और मेरे अंदर भाव अपूरकता का बना रहता है। यानी जो जहाँ कम पड़ रहा है उसमें मैं कैसे उसका सहयोगी हो जाऊं, ये भाव रहता है, ना कि उसमें जो कमी है उसको मैं दर्शाऊं बार बार। ये एक शिफ्ट भी अपने आप में देखने की जरूरत है कि अभी हम अपने मानस में, अपने कल्पनाशीलता में दूसरे की योग्यता की कमी को दर्शाते रहते हैं, उसको आकलन करते रहते हैं, या मैं उसके लिए कैसे पूरा पढ़ूं उसके लिए विचार करते हैं। ये भी एक ऑब्जर्व करने की बात है। फिर हम लोगों ने कुछ और भावों की बात की थी, श्रद्धा, गौरव, कृतज्ञता। श्रेष्ठता का मतलब तो है व्यवस्था समझना, व्यवस्था में जीना, और श्रेष्ठता के साथ ही मैं सुखी होता हूँ, और ये अल्टीमेटली चारों अवस्था व्यवस्था समझना है। तो दिखता है विश्वास सम्मान तो सभी के प्रति होता है, श्रद्धा उनके प्रति होता है जिनमें समझ की पूर्णता हो गई है यानी श्रेष्ठ है। गौरव का भाव उनके प्रति होता है जिन्होंने श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया। कृतज्ञता का भाव उनके लिए होता है जिन्होंने मेरी श्रेष्ठता के लिए प्रयास किया। इन भावों के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हम एक एक को संबंधी के रूप में स्वीकार पाते हैं और हर एक को संबंधी के रूप में देख पाते हैं, जिसको पूर्ण मूल्य यानी प्रेम कहा, पूर्णता में रहती प्रेम के भाव में जी पाते हैं। तो जब हम प्रेम के भाव में जी पाते हैं तो हम एक अखंड समाज का आधार बन जाते हैं, क्योंकि अब मैं हर एक के साथ संबंध को देख पाता हूँ। मेरे परिवार का मतलब सिर्फ पति पत्नी बच्चा ऐसा नहीं, परिवार का मतलब विश्व परिवार। तो उनका भी ध्यान रखता हूँ जो हमारे निकट है, परंतु भाव हमारे अंदर हर एक के प्रति बना रहता है, तो उससे हम न्यायपूर्वक जी पाते। इनफैक्ट जब तक हमारे अंदर प्रेम का भाव ना हो हम एक एक के साथ भी ठीक से नहीं जी पाते, तो कहीं ना कहीं किसी का अधिमूल्यन किसी का अवमूल्यन होता है। अगर हमने संबंध को हर एक के साथ नहीं पहचाना, कुछ के साथ पहचाना, यानी शेष का तो हमने अवमूल्यन कर दिया, इन कुछ का हमने अधिमूल्यन कर दिया, तो न्याय कैसे होगा। तो न्याय का मतलब हुआ कि भाव की ठीक ठीक पहचान हो जाए, निर्वाह हो जाए, मूल्यांकन हो जाए, उससे दोनों सुखी हो जाए, और न्याय की जो योग्यता बनती है हमारी, ये फिर फैलते फैलते विश्व परिवार तक जाती है। इसके साथ हमने समाज व्यवस्था की बात की कल, और दिखता है कि समाज में साथ साथ जीते हुए हम सबके कुछ कॉमन गोल्स हैं, कॉमन लक्ष्य हैं। क्या है? तो हर व्यक्ति में सही समझ, सही भाव यानी समाधान, हर परिवार में समृद्धि, समाज में अभय यानी विश्वास, और प्रकृति यानी अस्तित्व में, प्रकृति और अस्तित्व में सह अस्तित्व, परस्पर पूरक। तो इसको पूरा करने जब जाते हैं तो क्रम दिखाई देता है कि पहले हर व्यक्ति में समाधान होगा तभी समृद्धि होगी। तो आवश्यकता की पहचान ठीक नहीं हुई है, समृद्धि का भाव नहीं होगा, परिवार में अगर समृद्धि नहीं होगी तो समाज में अभय नहीं होगा, और मानव आपस में चीटी नहीं जिएगा तो शिष्ट प्रकृति को तो छीन और दोहन करेगा ही। तो ये क्रम दिखाई देता है। और उसको जब समाज में व्यवस्था के रूप में देखते हैं तो पांच आयाम दिखाई देते हैं उस व्यवस्था के, शिक्षा, संस्कार, स्वास्थ्य, संयम, उत्पादन, कार्य, विनिमय, कोष, न्याय, सुरक्षा, ये पांच आयाम दिखाई देते हैं। और इस प्रकार से जब मैं फैल कर जीने जाता हूँ तो परिवार व्यवस्था से बढ़कर विश्व परिवार व्यवस्था में जी पाता हूँ, इसको सार्वभौम मानवीय व्यवस्था का, सर्वभूमि पे है ना मानवीय व्यवस्था के साथ जी पाते हैं। फिर हमने प्रकृति की बात की थी, और दिखता है कि प्रकृति में चार अवस्थाएं हैं, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था और ज्ञान अवस्था। ज्ञान अवस्था नहीं, हम लोग मनुष्य, जीव अवस्था मतलब पशु पक्षी, प्राण अवस्था मतलब पेड़ पौधे, पदार्थ अवस्था मतलब मिट्टी, धातु, अर्धातु, ये सब सारी चीजें। दिखता है कि पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था के लिए समृद्धि कारक है, लेकिन समझ यानी ज्ञान के अभाव में हम अभी बाकी अवस्थाओं के लिए, मानव के लिए भी और बाकी अवस्थाओं के लिए पूरक नहीं हो पाते, जबकि हमारी सह स्वीकृति पूरकता के लिए है। तो एक बार मानव समझ जाए तो सभी के लिए पूरक हो सकते हैं और हम इनसे ज्यादा कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, पक्षी से, पेड़ पौधे से, परंतु हमारे में समझ हो जाए तो कर पाएंगे, ये काम करने योग्य है। और ये भी दिखता है कि हमारा जो जीना है वो इन सब पे निर्भर है, पशु पक्षियों पे, पेड़ पौधों पर, मिट्टी हवा पानी पे। अगर हम इनका दोहन करेंगे, इनका शोषण करेंगे, तो अल्टीमेटली हम सफर करेंगे। हम जब सफर करते हैं तो हमको सुविधा की आवश्यकता बढ़ जाती है, जब बढ़ती है तो इसके लिए और पैसा कमाना पड़ता है, और पैसा कमाने के लिए हम फिर इनका जाके दोहन शोषण करते हैं, एक चक्र में फंस जाते हैं। तो इनके प्रति हम पूरक हो जाए बहुत आवश्यक है।
ये भी दिखता है कि पदार्थ अवस्था सबसे बड़ी मात्रा में है जो बना ही रहेगा, उससे कम प्राण अवस्था, उससे कम जीव अवस्था, उससे कम ज्ञान अवस्था है। तो अगर हम इन बाकी का ध्यान नहीं रखेंगे तो सबसे पहले हमारे ही होने पे खतरा होगा, हमारे शरीर के स्वास्थ्य पे कठिनाई आएंगी। इतनी बात कल तक उन्होंने की थी, इतने को लेकर अगर कोई प्रश्न हो तो कल्पना खंडेलवाल जी, राम रत्न जी, दिनेश कश्यप जी। जी सर। जी हेलो। जी जी बताएं। हाँ सर, ये आपने जो बताया आहार विहार श्रम है ना सर, ये सब शरीर के लिए हैं, और अगर हम सही समझ से सही आहार देंगे, विहार सही करेंगे, श्रम भी करेंगे तो हम सुखी होंगे, समृद्ध होंगे, समाधानित होंगे, और पोषण के भाव में रहेंगे, विरोध का भाव नहीं रहेगा, यानी सब अच्छा होता चला जाएगा। जी। और इसी को आगे बढ़ाते हुए अभी फिर आगे जो है आपने लिया और यहाँ पर आ गए विश्व बंधुत्व भावना पर। बिल्कुल सर, जो जिस हिसाब से टाइटल है उसी हिसाब से हुआ। तो अब इसमें एक बात आ रही है कि सर पूरा ध्यान हमारा कहाँ पर है सर, स्व के माध्यम से। स्व माने अस्तित्व ही, जो आपने बताया कि मैं दूसरे का मैं और मेरा मैं दोनों एक है ना सर। मैंने ऐसा नहीं कहा, समानता है, एक है, ऐसा नहीं कहा। हाँ समान, वही मतलब मेरा शब्द सही नहीं है, लेकिन दोनों एक है, मतलब दोनों मतलब एक एक पहाड़ी इधर है, एक पहाड़ी इधर है, दोनों अलग अलग अस्तित्व में है लेकिन दोनों की समानता है ना सर। जी, जी। ऐसा कह लें, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि हमारे जो माइंड्स हैं वो ओवरलैपिंग करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, और हमारी सोल जो है एक है सबकी। तो सोल की बात नहीं, मैं, मैंने अभी ऐसे अभी तक ऐसी कोई बात की नहीं है, है ना, उसको क्लैरिफाई कर लेंगे। जी सर, मैं इसको समझना चाह रहा हूँ इस हिसाब से कि जो माइंड की बात आ रही, माइंड से मतलब मन की बात आ रही, मन मतलब मैं यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ, मन जो है यहाँ पर मैं बोलना चाह रहा हूँ, जो अस्तित्व एक्चुअल में क्या, यहाँ मैं भ्रमित यहाँ हो रहा हूँ सर कि आत्मा और मन और शरीर, शरीर तो मुझे समझ में आ रहा अच्छे से, बहुत अच्छा समझ में आ गया, पूरा पूरा सब समझ में आ गया, शरीर शरीर तक लेवल। उसके बाद में जो मैं कहा गया है सर, तो मैं से मतलब वही जो आपने बताया कि स्व यानी स्वयं, सेल्फ। तो सेल्फ क्या है सर, उसके बारे में क्लेरिफाई करें सर प्लीज सर, कृपा करें। जी तो समझ में जी, अभी हम लोग ये जब अस्तित्व की बात को थोड़ा आगे लेके चलेंगे तो बात और स्पष्ट हो जाएगी। जी सर, थैंक यू करेंगे। तो इतने के साथ हम लोग अब अस्तित्व व्यवस्था पे बात शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग अस्तित्व के सभी स्तरों पर अस्तित्व के रूप में देखने का प्रयास करेंगे, और ये एक आपके लिए परिचयात्मक ही कार्यशाला है जिसमें बात शुरू हुई है। तो अस्तित्व पे बहुत विस्तार में बात नहीं करेंगे, परंतु मुझे ऐसा लग रहा है आपके प्रश्नों को सुनकर कि आपके अंदर बहुत सारे प्रश्न बनेंगे। तो मेरा आप सबसे आग्रह है कि फिर आप रिफ्रेशर वर्कशॉप में आए, या कोई और फेस टू फेस कोई वर्कशॉप होता है तो उसमें आए, तो इसमें हम लोग विस्तार से सारे मुद्दों पर बात कर सकते हैं। हेलो जी। हेलो। हाँ बताए राम रत्न जी। जी सर, मैं अभी सर की जो बातें हुई उनमें सर एक हमारे मानव चेतनावादी ए नागराज जी हुए हैं, तो उन्होंने कहा है कि जाने हुए को मान लो और माने हुए को जान लो, यानी कि जो जाना हुआ है उसको मान लो और माने हुए को जान लो, ये उसका एक सूत्र है सर। जी, बिल्कुल जी। बना हुआ सूत्र है सर, तो इससे बिल्कुल क्लियरिटी होती है सर कि जो चीज जानी हुई है तो उसको मान लो, जिसपे शोध हो चुका है, शोध हुआ है, उससे आगे आगे की बात करने की बात कही है। और दूसरी बात, यहाँ पर अभी मैडम ने कहा था जिन्होंने कि अभी अंतिम सत्र है, तो सर उन्होंने कहा था जैसे मेरा लक्ष्य है भोपाल जाना, तो भोपाल जब मैंने लक्ष्य बना लिया भोपाल जाना है, तो उसके बाद भोपाल मेरा लक्ष्य नहीं रहा, चलना मेरा लक्ष्य हो गया सर, और भोपाल मेरे लिए डेस्टिनी हो गया सर। बहुत सारे शब्द मिक्स हो गए है ना, अब थोड़ा सा इसको एक एक करके सॉर्ट आउट कर सकते हैं, परंतु या तो इसको बाद में ले लें जब प्रश्नोत्तरी का समय होगा। थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि आशा ये है जो आपने पहले बात कही कि जो चीज जैसी उसको वैसा जान लीजिए, जब आप उसको जानेंगे तो वैसा ही मानेंगे, परंतु कोई चीज अगर आपने पहले से मानी हुई है जाने के बगैर तो उसको जान भी लीजिए, ये मूल आशा है। जी सर, थैंक यू सर, बिल्कुल सही है सर। हम लोग पूरे अस्तित्व की व्यवस्था को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो
अस्तित्व को देखें तो उसमें दो शब्द मिले हुए हैं, अस्ति और त्वा। अस्ति मतलब जो कुछ भी है होना, त्वा का मतलब व्यवस्था। व्यवस्था किस रूप में? परस्पर पूरकता के रूप में। तो प्रकृति तक हमने अध्ययन किया, उसको और आगे थोड़ा लेके चलते हैं। तो अस्तित्व बराबर सहअस्तित्व, ये बात निकल कर आती है। हम लोग इसको जैसे एक्सप्लोर करेंगे और समझ में आएगा। तो दिखाई देगा कि अस्तित्व में शून्य बना हुआ है, और ये जो भी इकाइयां हैं, जो प्रकृति का एक अंग है, हिस्सा है, इसी शून्य में संपृक्त है। तो अभी तक हमने इकाइयों की बात की। जब मानव की बात की तो मैं और शरीर की बात की, मैं भी एक इकाई हूँ, शरीर भी इकाई है। जब संबंध की बात की तो एक मानव की इकाई की दूसरे मानव इकाई के साथ संबंध की बात की। जब प्रकृति की बात की तो मानव के अलावा जो दूसरी इकाइयां हैं उनकी बात की। तो पेड़ भी एक इकाई है, पशु भी एक इकाई है, मिट्टी का एक कण भी इकाई है, ये सभी इकाइयां हैं। परंतु इन इकाइयों के अलावा देखें तो अस्तित्व में वास्तविकता यह भी है जिसको हम कहते हैं शून्य, व्यापक, जो हर जगह व्याप्त है। हम इकाई को इकाई कैसे कह पाते हैं? क्योंकि उसका एक सीमित आकार होता है, एक एक रूप में गिनने योग्य होता है। जैसे मैं एक इकाई हूँ, एक मानव के रूप में, तो मैं कह सकता हूँ एक इकाई, एक मानव, आप एक मानव है, आप एक मानव है ना, ऐसा हम लोग बात कर सकते हैं। परंतु शून्य को देखें तो शून्य दिखता है कि ये हर जगह व्याप्त है, इसकी कोई सीमा नहीं है, ये कोई इकाई नहीं है, ये हर जगह व्याप्त है। सारी इकाइयां इसमें बनी हुई हैं। किस प्रकार बनी हुई हैं? उसको नाम दिया संपृक्तता। संपृक्तता क्या है इसको समझेंगे। तो ये जो इकाइयों की शून्य में संपृक्तता है उसको कहा सहअस्तित्व। यानी शून्य में बनी रहते हुए इकाई इकाई के साथ एक दूसरे के लिए पूरक है। पूरी अभी तक हमने जो बात की वो आपको दिखाई देगा कि अल्टीमेटली सहअस्तित्व का ही एक्सपेंस है, उसी का फैलाव है। कोर इशू अगर है देखने के लिए, समझने के लिए, तो सहअस्तित्व है। इसके साथ हमारा ज्ञान पूरा होता है, इस सहअस्तित्व को देखने के साथ ज्ञान पूरा होता है। तो इसको थोड़ा और समझने का प्रयास करते हैं कि किस प्रकार इकाइयां शून्य में बनी हुई है। तो दिखाया कि इकाइयां हैं, शून्य है। जो शून्य है ये नित्य वर्तमान है। नित्य का मतलब कि हमेशा से था, हमेशा है और हमेशा रहेगा, था है और रहेगा। तो काल में इसकी कोई सीमा नहीं है, था है और रहेगा। वैसे इसकी आकार में कोई सीमा नहीं है, यानी कहें तो देश में कोई सीमा नहीं, फैला हुआ है और वर्तमान है, यानी है, बना हुआ है। इकाइयां इसी में बनी हुई है, तो ये एवर प्रेजेंट है, नित्य वर्तमान है। तो शून्य भी नित्य वर्तमान है, और शून्य में बनी रही इकाइयां को साथ में जोड़ के देखें तो सहअस्तित्व भी नित्य वर्तमान है, ये दिखाई देता है। और थोड़ा अध्ययन करते हैं तो पाएंगे जितनी भी इकाइयां होती हैं वो सीमित आकार की हैं। जैसे मैं एक सीमित आकार का हूँ, मेरा शरीर एक सीमित आकार का है, मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ ग्रेटर नोएडा में, मेरी एक आकार है सीमा में। आप कहीं बैठे हुए मध्य प्रदेश के किसी क्षेत्र में, तो वहां भी आपका एक सीमित आकार है, आपके शरीर का एक सीमित आकार है। आपके आसपास जितनी वस्तुएं दिखाई दे रही हैं आपको आंखों से, ये सब सीमित आकार की हैं। ये जो भी इक्विपमेंट है आपके आसपास, जो भी वस्तुएं हैं, ये सब सीमित आकार की, प्रकृति का एक भाग है। तो जो भी इकाई है उसका एक सीमित आकार, तभी हम उसको इकाई कह पाते हैं, तभी हम उसको एक एक के रूप में गिन पाते हैं। ये जो नित्य वर्तमान है, स्पेस, शून्य या सीम है, इसकी कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं है कि यहां तक है वहां नहीं है। इसी शून्य में ये धरती बनी हुई है, इसी शून्य में ये सूरज भी बना हुआ है, ये पूरी गैलेक्सी बनी हुई है, और ऐसे कई गैलेक्सीज बनी हुई है। तो शून्य तो हर जगह है, धरती के भीतर भी है, धरती की सतह पे भी है, और धरती से बाहर भी है। ये शून्य मेरे शरीर के भीतर भी है, मेरे शरीर की सीमा पे भी है, मेरे शरीर से बाहर भी है। और अगर देख पाएंगे तो देख सकते हैं कि आपके भीतर भी है और आपसे बाहर भी है। तो शून्य हर जगह बना हुआ है, व्याप्त है, इसलिए उसको व्यापक कहा। इकाई के भीतर भी है, इकाई के बाहर भी है, और इसकी कोई सीमा नहीं है। फिर दिखाई देता है कि कोई भी इकाई होगी तो वो अपने आप में क्रिया होगी और क्रियाशील भी होगी। क्रिया होगी मतलब वो अपने आप में उसमें क्रिया दिखाई देगी, और दूसरी इकाइयों के साथ एक क्रियाशीलता, क्रिया में भागीदारी दिखाई देगी। तो हर इकाई स्वयं में क्रिया है, दूसरी इकाई के साथ क्रियाशील है। जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे अंदर अगर इच्छा हो रही है, विचार हो रही है, विचार हो रहा है, आशा हो रही है, ये सब क्रियाएं हैं। तो मैं अपने आप में क्रिया हूँ और मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, आपके साथ क्रियाशील हूँ। मेरा शरीर कितनी सारी कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है,
कितने सारे अंगों से मिलकर बना हुआ, सब अपने आप में क्रियाएं हैं और एक दूसरे के साथ क्रियाशील है। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ तो आपके साथ भी क्रियाशील है। तो हर इकाई को देखें, चाहे पदार्थ अवस्था का हो, प्राण अवस्था का हो, जीव अवस्था का हो, ज्ञान अवस्था का हो, अपने आप में क्रिया है, दूसरी इकाई के साथ क्रियाशील है। शून्य को देखेंगे तो पाएंगे क्रिया शून्य, इसमें कोई क्रिया नहीं है, यह क्रिया शून्य है, इसमें कोई घटना बढ़ना हलचल नहीं है, कोई इकाइयों में है यहां नहीं है, क्रिया शून्य है, इसलिए इसको शून्य कहा। और ध्यान से देखेंगे इकाइयां किस प्रकार शून्य में बनी हुई है, दिखाई देगा कि इकाइयां शून्य के अस्तित्व में ऊर्जित है। तो हर इकाई में ऊर्जा है, जैसे मुझ में ऊर्जा है, मैं सोच पाता हूँ, विश्लेषण कर पा रहा हूँ, मेरे अंदर कुछ इच्छा चल रही है, कुछ विचार चल रहा है, ऊर्जा है तभी चल रही है। शरीर में ऊर्जा है, इस कंप्यूटर में ऊर्जा है जिसके माध्यम से मैं आपसे बात कह रहा हूँ, इस हवा में ऊर्जा है जैसे ध्वनि में तरंगे पैदा हो रही है, हर इकाई में ऊर्जा है। किस प्रकार है? शून्य में बनी रहते हुए, शून्य के अस्तित्व में ऊर्जित है। आपको दिखाई देगा कि इकाई के ऊर्जित होने के आधार में शून्य है। अब किसी को ऐसा लग सकता है कि भाई शरीर में ऊर्जा है बट ऊर्जा कहीं बाहर से आ रही है, कैसे आ रही है? भोजन से ऊर्जा आ रही है। भोजन में ऊर्जा कैसे आ रही है? तो भाई धरती से खनिज लवण ले रहा है, पेड़ पौधे है ना, सूरज से रोशनी आ रही है, उससे उसमें भोजन का निर्माण हो रहा है। तो भाई धरती में ऊर्जा कहाँ से आ रही है? तो सूरज से आ रही है। सूरज में ऊर्जा कहाँ से आ रही है? तो कहते हैं भाई हाइड्रोजन का हीलियम में फ्यूजन हो रहा है, वहां से आ रही है। फिर आप पूछे हाइड्रोजन में ऊर्जा कहाँ से आ रही है? कहीं पर जाके आपको रुकना पड़ता है, कहना पड़ता है नहीं, उसमें तो ऊर्जा है ही, पहले से ही है, तो अभी क्यों ना रुक कर देख लें। तो दिखाई देगा इकाई होने के साथ साथ ये निश्चित हो जाता है कि हर इकाई में ऊर्जा है, हर इकाई ऊर्जित है। किस प्रकार है? तो शून्य में तो बने हुए हैं, तो और ऑब्जर्व करेंगे दिखाई देगा शून्य के अस्तित्व में ही ऊर्जित है। वैसे ही आपको दिखाई देगा कि शून्य के अस्तित्व में ही हर इकाई नियंत्रित है, स्वयं व्यवस्थित है। तो हर इकाई स्वयं व्यवस्थित है। जैसे अगर हम शरीर को देखें तो शरीर अपने आप में व्यवस्था है, इतने सारे अंग हैं, इतनी सारी हड्डियां हैं, है ना, मांसपेशियां हैं, कोशिकाएं हैं, कोशिकाएं इतने सारे अणु परमाणु से मिलकर बने हुए हैं और इतने बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं। हमने सुबह नाश्ता लेके मुंह में डाल दिया, बाकी काम शरीर कर रहा है, उसको पचा रहा है ना, फिर चार घंटे बाद संकेत दे देगा कि फिर से भूख लग गई है। अब मेरा काम सिर्फ इतना है कि शरीर में भोजन को डाल दिया, मुंह में भोजन को डाल दिया, बाकी सारा काम शरीर कर रहा है। और एक एक अंग दूसरे अंग के साथ क्या बखूबी काम कर रहा है, हृदय उसके साथ, पाचन तंत्र के साथ, पाचन तंत्र इस तंत्र के साथ, ये तंत्र उस तंत्र के साथ, सभी आपस में कितने बढ़िया ढंग से काम कर रहे हैं। कंप्यूटर अगर देखें तो कंप्यूटर में कितने सारे औजार लगे हैं अंदर में, और एक दूसरे के साथ ये कोएग्जिस्ट कर रहे हैं और मिलकर काम कर रहे हैं और एक व्यवस्थित विधि से काम कर रहे हैं। ऐसी अगर अपनी बात करें, मैं की बात करें, तो आपको दिखाई देगा कि मैं भी नियंत्रित हूँ। किस प्रकार? कि जैसे ही मेरे अंदर कोई विरोध का भाव आता है मैं दुखी परेशान होता हूँ, जैसे ही मेरे अंदर संबंध का भाव बनता है मैं आराम पाता हूँ। ये शून्य में जो नियंत्रण उपलब्ध है उसके आधार पर मैं नियंत्रित हूँ। इसलिए हम में से हर व्यक्ति ज्ञान की वरीयता को देख पाता है, ज्ञान के लिए प्रेरित हो पाता है, क्योंकि ज्ञान के अभाव में मुझ में व्यवस्था नहीं हो पाती, मुझे व्यवस्था नहीं हो पाती तो मुझे सुख नहीं हो पाता। ये जो ज्ञान के लिए प्रेरणा बनी हुई है, किस प्रकार बनी हुई है? शून्य के अस्तित्व बनी हुई है। इस प्रकार मैं भी नियंत्रित हूँ, ज्ञान अवस्था की हर इकाई नियंत्रित है। और देखेंगे तो पाएंगे कि शून्य के अस्तित्व में ही एक इकाई दूसरी इकाई के साथ परस्परता को पहचानती और निर्वाह करती है। तो ये जो मैं आपसे संबंध को पहचान रहा हूँ, कई बार हमको लगता है ये तो है ही, इसमें क्या बात किया जाए, परंतु किस माध्यम से पहचान रहा हूँ, किस विधि से पहचान रहा हूँ? आप भी शून्य में बने हुए हैं, मैं भी शून्य में बना हुआ हूँ, शून्य के माध्यम से हम सब जुड़े हुए हैं। जो हम लोग बात करते हैं प्रेम का भाव की, हम बात करते हैं अनन्यता के भाव की, हम बात करते हैं सार्वभौमता की, किस प्रकार करते हैं, हम सभी शून्य के माध्यम से जुड़े हुए हैं, संबंधित हैं। सिर्फ जो शेष है वो ये कि संबंध को पहचानना है। तो जो अगर जड़ इकाइयों को देखें तो जड़ इकाइयां तो उनमें तो पहचाना निर्वाह करना ही होता है, तो परस्परता में संबंध को पहचानती रहती, निर्वाह करती रहती है। चैतन्य इकाइयों में देखें तो मानने की क्रिया भी हो रही है, मानने में अगर चूक है तो पहचानने में चूक होती है, पहचानना अभी भी हो रहा है, पहचानने में चूक हो रही है। जानने के साथ यानी ज्ञान के साथ, सही समझ के साथ, तो पहचानना ठीक हो पाता है मानने के ठीक होने के साथ। तो शून्य के अस्तित्व में ही परस्परता को हर इकाई पहचान रही, निर्वाह कर रही है। इस प्रकार आप देखेंगे तो पाएंगे कि हर इकाई अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है,
पहले तो स्वयं में एक व्यवस्था है, फिर अपने से बड़ी व्यवस्था भागीदार है, फिर समग्र व्यवस्था भागीदार है। अभी बहुत सारे शब्द आ रहे होंगे, आपको थोड़ा समझने में कठिनाई लग रही होगी, तो जब आप नेक्स्ट वर्कशॉप में आएंगे या इसके हायर लेवल वर्कशॉप में आएंगे तो बात और स्पष्ट होगी। तो इसको थोड़ा ऐसे समझते हैं, जैसे तो मेरा शरीर में देखें तो हृदय, शरीर उससे एक बड़ी व्यवस्था है, वो हृदय शरीर की व्यवस्था में भागीदार है, जो पाचन तंत्र है शरीर की व्यवस्था में भागीदार है, जो मेधस तंत्र है शरीर की व्यवस्था में भागीदार है, ये पूरा शरीर है, मैं जब उसके साथ सहस्तित्व में हूँ तो उसे एक बड़ी व्यवस्था बनती है, शरीर मेरे साथ भागीदार है, मैं शरीर के साथ भागीदार हूँ, एक मानव रूप में मैं परिवार में भागीदार हूँ, परिवार अपने अड़ोस पड़ोस में भागीदार है। तो हर इकाई शून्य में बनी रहते हुए परस्परता को पहचानते निर्वाह करते हुए अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। इस प्रकार से आप देखें समग्र व्यवस्था में भागीदार है, ये जो धरती है ये समग्र व्यवस्था का हिस्सा है, आप धरती की व्यवस्था में भागीदार है, आप समग्र व्यवस्था में भागीदार है। तो आपको दिखाई देगा कि हर परमाणु भी स्वयं एक व्यवस्था बनी रहते हुए समग्र व्यवस्था में भागीदार है, बात ठीक है। ये तीन चीजों को अगर आपस में जोड़ेंगे तो देखेंगे कि शून्य के अस्तित्व में हरिका ऊर्जित है, नियंत्रित है यानी स्वयं व्यवस्थित है, परस्परता को पहचानती निर्वाह करती है, इस प्रकार बड़ी व्यवस्था भागीदार है, इस प्रकार समग्र व्यवस्था भागीदार है। इन तीन बातों को जोड़कर कहा संप्रीतता, संप्रीत होना है ना, इस प्रकार हरिका संप्रीत है, ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचानती निर्वाह करती है। इसको अपने आप से देखना शुरू करें, आप ऊर्जित हैं कि नहीं, आप नियंत्रित हैं कि नहीं, आप परस्परता को पहचानते निर्वाह करते हैं कि नहीं। इतनी बात अगर आपको पकड़ में आ रही हो अच्छी बात है। तो मैं अगर इसको लेकर कोई प्रश्न है तो मैं आपका प्रश्न लेता हूँ। अंबिका साहू जी। जी सर। जी मैम। सर नमस्ते। नमस्ते सर, मैं ये पूछना चाह रही थी कि आपने जो शून्य को एक्सप्लेन किया, इस शून्य को मैं समझ नहीं पाई कि शून्य है क्या। जैसे आपको अपने चारों तरफ खाली स्थान दिखाई दे रहा है। यस सर। खाली स्थान है ना। जी जी। जैसे हम बोतल में पानी भरते हैं, बोतल में खाली स्थान तभी तो भर पाते हैं ना। जी। खाली स्थान बॉटल में भी है। आप बॉटल देखें तो स्टील का बना हुआ है, उस स्टील को देखें तो बहुत सारे अणु परमाणुओं से बना हुआ है, तो अणुओं के बीच में खाली स्थान है ना। जी जी। अणु जिन परमाणुओं से मिलकर बने, परमाणुओं के बीच में खाली स्थान है ना। जी। वो परमाणु जिन परमाणु अंशों से मिलकर बना है वहां भी खाली स्थान है। तो दिखाई दे खाली स्थान हर जगह है, इसी खाली स्थान को शून्य कह रहे हैं। तो जहाँ इकाई है वहां शून्य भी, जहाँ इकाई है वहाँ शून्य भी है। तो आप अगर चारों तरफ देखेंगे तो हम कहते हैं भाई तो हवा है चारों तरफ, हवा के दो कणों के बीच में क्या है, खाली स्थान है। हवा कण के रूप में। जी जी है, मतलब एक दूसरे को जोड़ने के लिए स्पेस की जरूरत, वो स्पेस शून्य है। जोड़ने के लिए नहीं बल्कि स्पेस है, स्पेस के माध्यम से इकाइयां जुड़ी हुई है। जी जी ठीक है। जी दीपक पुरवाल जी। शरीफ जी। सर गलती से हो गया था सर मुझे से हैंड रेस। अच्छा ठीक है, ठीक है सर। शून्य को क्या पूर्ण से भी परिभाषित कर सकते हैं हम। जी कर सकते हैं। जी धन्यवाद। दिनेश कश्यप जी। सर ये जो अभी सर ने कहा भाई सब ने कि शून्य को पूर्ण से प्रभावित कर सकते हैं, आपने कहा हाँ कर सकते हैं, तो वो वही बात है क्या सर, ये ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदः मुज्यते जो बताया गया है उसमें आगे वो उसी वही कांसेप्ट है क्या सर। ओपन रखते हैं क्योंकि देखिए शून्य पूर्ण अर्थ में है कि सर्वव्यापी है, हर जगह व्याप्त है, तो सीमा में पूर्ण है ना, असीम है। अच्छा सीमा में पूर्ण है, सीमा में पूर्ण है, काल में पूर्ण है। अच्छा एक लाइन और सर थोड़ी सी, जो उसमें कहा गया है बिन उपग चले सुने बिन काना कर बिन कर्म करे बिन नाना, तो वही चीज है ये। अब वहां पे अगर आप देखें तो हम यहाँ पे जो प्रस्तावित है वो तो शून्य क्रिया शून्य है, इसमें कर्ता भाव नहीं है जैसा कहा जा रहा है ना, कर्ता भाव यहाँ है, कर्ता भाव मैं में है, शून्य में नहीं, शून्य में नहीं।
अच्छा थैंक यू सर, धन्यवाद सर। शून्य तो क्रिया शून्य है, उसमें कर्ता भाव कहां से आएगा? जी सर, जी सर, धन्यवाद सर। एपी आनंद जी, सभी को नमस्कार। अभी शून्य की बात चल रही थी, इसमें कहा गया एनर्जी इन द स्पेस, तो जो शून्य में है हम उसमें ऊर्जा का उत्पादन किस प्रकार से कर सकते हैं, मतलब वो क्या क्या कहना चाहते हैं? शून्य में ऊर्जा का उत्पादन नहीं है जी, शून्य में ऊर्जा एक प्रकार से बनी हुई है। अच्छा, उसमें बनी रहते हुए इकाइयों में ऊर्जा का घटना बढ़ना हो रहा है। ओके ओके, तो हम किसकी ऊर्जा की बात कर रहे हैं, मतलब ये मतलब एकदम स्पष्ट नहीं हो पा रहा, कौन सी ऊर्जा जो कि हमको क्रियाशील बनाती है या फिर ये व्यवस्था को क्रियाशील बनाती है, मतलब किससे? वो ऊर्जा है जो साम्य है, एक समान बनी रहती है। अच्छा जी, और हर जो सापेक्ष ऊर्जा है उसके आधार में होती है। अच्छा अच्छा, सापेक्ष ऊर्जा मतलब इसमें घटना बढ़ना हो रहा है, जैसे शरीर में ऊर्जा घटना बढ़ना हो रहा है, आपके अंदर ऊर्जा का घटना बढ़ना हो रहा है, परंतु वहां कोई घटना बढ़ना जैसा ये नहीं है ना, घटना नहीं है वहां पे, एक ही प्रकार से बना हुआ है, साम्य है एक प्रकार से बना हुआ है, और क्रिया शून्य भी है, उसमें कोई क्रिया भी नहीं है, आधार है वो, एक आधार है। जी जी ठीक है, थैंक यू जी। अतुल कुमार जी, नमस्ते। नमस्ते, हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी आ रही है जी सर। बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुत किया शून्य की, और किस तरीके से हमने अपने आप को एडजस्ट किया हुआ इस प्रकृति में, बहुत ही सुंदर, हमको अच्छा लगा आपका, इसको आगे और थोड़ा सा क्लियरिफाई कर दीजिएगा तो बहुत ही अच्छा होगा। तृप्ति जी, तृप्ति जी सर, नमस्ते। नमस्ते, मेरे दिमाग में बहुत सारी चीजें चल रही हैं, सेशन खत्म हो जाता है उसके बाद भी चलता रहता है, बहुत सारी चीजें बाद में ध्यान में आती हैं, तो ये शून्य से रिलेटेड नहीं है, पर कुछ इस तरीके की बातें हैं, जैसे अपन पुराने उससे भी रिलेटेड है कि अपन बोलते हैं जो संग्रह कर रहा है वो दरिद्र है, और जो समझ रहा है वो जो है समृद्ध है, पर जैसे हम कई बार देखते हैं कि वो बच्चे जिनके मदर फादर ने संग्रह किया काफी सारा, हम उसको दरिद्र समझ रहे हैं, और उनके बच्चे जो है एक अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और जो दूसरे के बच्चे जिसने संग्रह नहीं किया उसने इस बात को सोचा कि मेरे बच्चे को मैं अच्छी शिक्षा दूं, अच्छा पढ़ाऊं और उसे इस लाइक बनाऊं कि वो, तो कई बार वो बच्चे मैंने सोसाइटी में ये देखा है कि अपने माता पिता को ये कहते हुए देखे जाते हैं कि आपने हमारे लिए किया क्या है, उसने अपने बच्चों के लिए इतना कुछ किया, उसने अपने बच्चों के लिए इतनी धन संपदा इकट्ठा करके दी, वो आज सुख से जी रहा है, हम सुबह से शाम तक परेशान हो रहे हैं इधर उधर भाग रहे, मतलब इस तरीके की बहुत सारी चीजें हम सोसाइटी में इधर उधर देखते हैं, तो इसको फिर किस तरीके से आपका प्रश्न स्पष्ट हो गया, मैं इसको रिस्पॉन्ड कर लूं कि अगर माता पिता अपने बच्चे के लिए सिर्फ सुविधा की व्यवस्था कर रहे हैं जी, तो ऐसी स्थिति बनेगी ही। हाँ। है ना, नहीं, परंतु यदि हम वो बच्चे कह रहे हैं जिनके माता पिता ने सुविधा की स्थिति इकट्ठा नहीं की, जिन्होंने अपने बच्चों को, रुके रुके, मैं कह रहा हूँ अगर इकट्ठा भी की और पूर्ति भी की परंतु सिर्फ सुविधा के लिए किया, उनके अंदर समझ इंश्योर नहीं किया, तो बच्चों के अंदर जो कृतज्ञता का भाव होगा वो अस्थाई होगा, टेम्पररी होगा। ओके। जैसे अगर हम भी अपने बच्चों के लिए अच्छी सच्ची सुविधा जुटाएं, परंतु जो भी काम करें सिर्फ सुविधा के दायरे में हो, उनके अंदर हम सही समझ सही भाव न विकसित करें, तो बच्चों के अंदर कृतज्ञता के भाव की निरंतरता नहीं होगी, क्योंकि सुविधा निरंतर नहीं है तो भाव भी निरंतर नहीं होगा। तो ये भाव कैसे बढ़ाया जाए बच्चों में? समझ के द्वारा, पहले अपने आप में समझ सुनिश्चित किया जाए। देखिए क्या होता है, समझ के अभाव में हमारा व्यवहार ठीक नहीं होता, तो हम बच्चों के लिए सुविधा तो देते रहते हैं परंतु साथ में उनको हर्ट भी करते रहते हैं, आहत भी करते रहते हैं अपने व्यवहार से। अच्छा। तो बच्चा जो कह रहा है वो एक रिएक्शन है आपके गलत व्यवहार का जो हमने बचपन से किया उसके साथ। अच्छा, तो पहले हम अपने अंदर समझ इंश्योर करें, हमारे अंदर सही समय सही भाव होगा तब तो हम बच्चे के अंदर इंश्योर कर पाएंगे। और सर एक बात और,
एक बात और, जैसे अभी चल रहा था कि हम दूसरे को भी अच्छा चाहते हैं, दूसरे को भी सुखी चाहते हैं, इस दूसरे को सुखी के अंतर्गत जैसे मान लो अपन एक चीज रहे कि अपन किसी को किसी चीज को खाने पीने को रोकते हैं, आपने वो एक एग्जांपल दिया ना दवाई खाली, एक कहानी भी सुनाई थी कि एक राजा था वो तरह तरह की चीजें खाता था और फिर उल्टी करने के लिए कि फिर खाना खा सकते वो दूसरी चीजें खाता था। तो इस तरीके का कई लोगों को मैंने देखा है कि वो इतना खाते हैं ओवर ईटिंग, उन्हें समझाया भी नहीं जा सकता और वो बीमार भी रहते हैं और ऊपर से ये कह देते हैं कि जैसे उनको कुछ समय कुछ बोलने की कोशिश करो, कुछ समझाने की कोशिश करो कि आप ऐसा कर रहे हैं इसलिए ऐसा हो रहा है, बोले सबका शरीर आप जैसा नहीं होता, मतलब कुछ इस तरीके के चीजें बोल देना, बात को ना मानना, पता चला सुबह छाछ दूध पी ली, छाछ पी ली, फिर एक घंटे बाद चाय, बात स्पष्ट हो गई। थोड़ा सा मैं बता दूं कि समय का थोड़ा अभाव है, प्रश्न थोड़ा संक्षेप में रख लें, है ना, तो बता दें जी। तो अभी तो यही होता है कि मनुष्य समझ के अभाव में सुविधा से मिलने वाली संवेदना से सुखी होने में लगा रहता है, एक प्राइमरी सोर्स वो बना, जिसमें उन्होंने बात करते थे हार्मनी इन द सेल्फ की बात की, स्वयं व्यवस्था की बात की थी, तो संवेदना से सुखी होने में लगे रहते हैं। अब आप किसी व्यक्ति को समझाने जाते हैं और उसको कहते हैं ऐसा करो ऐसा मत करो, उसे नहीं समझ में आएगा। हम अगर यहाँ से बात शुरू करें जहाँ से आपसे बात शुरू हुई, भाई आप सुखी होना चाहते हो, समृद्ध होना चाहते हो, उस अर्थ में सुविधा की क्या भागीदारी इसको तय कर लेते हैं, तब बात समझ में आ सकती है। अभी जिसको हम समझाना कहते हैं ना, वो तो दूसरे के ऊपर डोमिनेट होना करना हो जाता है, कि हम जाते हैं उसको सही और गलत परोसना शुरू करते हैं कि ये सही है वो गलत है, तो मेरी बात मान लो, फिर अगला आदमी थोड़ी देर तक सुनता है, फिर कहता है आप भी कौन से सही हो, फिर हमसे तर्क करने लगता है। ठीक है, कई बार तो लोगों को समझा ही नहीं पाते क्योंकि वो हमसे इतने बड़े होते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि अब जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ठीक है ना, देखिए पहले अपने ऊपर ठीक से काम किया जाए, है ना, तो दिखाई देगा कि काफी स्कोप है दूसरे को समझाने का भी, पहले खुद समझने वाले काम को ठीक से किया जाए। चैलेंज फिर कुछ प्रश्न रखना चाह रहे हैं, इसके बाद हम लोग फिर बात को आगे बढ़ाएंगे। सर जी नमस्कार, आप बहुत अच्छी तरह से सर शून्य के बारे में समझाए, इकाई और क्रियाशील और उसमें शून्यता को, शून्यता में जैसे आपने सर एक चीज बहुत बताई जो समझ से थोड़ा सा समझ नहीं पा रहे, जो ऊर्जा है वो इकाई में है जिसकी वजह से वो क्रियाशील है, पर शून्य में भी आप ऊर्जा बता रहे हैं, है ना, जो कि क्रियाशील नहीं है, एक चीज। दूसरी जैसे कि आपने सर हमें बताया कि शून्य के सह अस्तित्व में नियंत्रण, जैसे कि जो सारी जो चीजें हैं वो शून्य में ही से ही नियंत्रित हो रही है, तो फिर इकाई, क्योंकि बहुत बार तो ये समझ में कठिन होता है कि इकाई नियंत्रित कर रही है हर चीजों को, हर भाव को, हर समझ को, हर विचार को या हर क्रियाशील को, पर शून्य किस तरह से करेगा, क्योंकि वो शून्य में तो कुछ करना ही नहीं है या शून्य तो होना ही नहीं है, वहां तो कुछ है नहीं, सिर्फ ऊर्जा भी हम समझ नहीं पा रहे कि वहां पे, जैसे आपने बताया कि वहां ऊर्जा है शून्य में, ऊर्जा सारी चीजें संचालित शून्य से हो रही है, परंतु जो इकाई है वो क्रियाशील है और ऊर्जा क्रियाशीलता में है, इकाई में है, इसलिए शून्य में भी तो इकाई का ऊर्जित होना है, सब कुछ तो आधार होगा ना सर, इस आधार पे इकाई में ऊर्जा घटना बढ़ना हो रहा है, हाँ। वो आधार शून्य है, पर नियंत्रित कैसे हो रहा है सर, शून्य से नियंत्रित कैसे हो रहा है, जैसे शून्य के अस्तित्व में स्व नियंत्रित है, जैसे उदाहरण ले कि सह स्वीकृति की हमने बात की और आपसे जब भी पूछा गया आप संबंध पूर्वक जीना चाहते हैं विरोध पूर्वक, आपने कहा संबंध पूर्वक, अब शून्य के सह अस्तित्व में ये जो आपकी सह स्वीकृति है वो एक समान बनी रहती है, ये उसी सह अस्तित्व का आपके अंदर प्रकाशन है, जिसके आधार पर हर बार तय कर पाते हैं कि मुझे संबंध पूर्वक ही जीना सहज रूप से स्वीकार है। अभी आप स्वनियंत्रित हैं इस रूप में कि आप जैसे ही विरोध पूर्वक जीने जाते हैं आप दुखी होते हैं, संबंध पूर्वक जीते हैं आपको आराम मिलता है, ये नियंत्रण उपलब्ध है कहाँ, शून्य में। तो शून्य के अस्तित्व में मान्यता है क्या, ये मान्यता है क्या, ये ऐसा उपलब्ध है, मतलब ये जो नियंत्रण के बारे में बताया कि हमें विरोध में और सहयोग में, ये एक मान्यता बनी हुई है क्या हमारे अंदर, नहीं मान्यता नहीं है, ये सहज स्वीकृति है आपकी, और जो सहज स्वीकृति है ये इसी नियंत्रण का प्रभाव है स्वयं में, सेल्फ में। हाँ सर, जैसे ज्ञान की व्यवस्था शून्य में बनी हुई है, जबकि शून्य में तो कुछ है ही नहीं, ज्ञान भी नहीं है और ये भी नहीं है, तो ज्ञान की व्यवस्था फिर शून्य में कैसे बनी रहेगी, शून्य के माध्यम से ही तो हमें ज्ञान हो रहा है,
हम लोग बात करेंगे सर, ये थोड़ा सा इसमें आपको और समय चाहिए, अभी मुझे थोड़ा बात आगे बढ़ानी है। बहुत अच्छा टॉपिक और बहुत बहुत अच्छी बात है, वो बहुत समझ में आया सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। तो इन तीन बातों को जोड़कर कहा कि सहअस्तित्व है, यानी शून्य के सहअस्तित्व में उर्जित है, नियंत्रित है और परस्परता को पहचानती है, निर्वाह करती है, है ना। इस प्रकार सहअस्तित्व बना हुआ है, इस प्रकार इकाई शून्य में संपृक्त है। अब अगर हम पूरे अस्तित्व को एक बार में देखने का है ना प्रयास करें तो ऐसा दिखाई देता है कि अस्तित्व सहअस्तित्व के रूप में है, यानी शून्य है, शून्य में इकाइयां संपृक्त हैं। जो भी इकाइयां हैं ये सब आकार में सीमित हैं, स्वयं में क्रिया है और दूसरी का सब क्रियाशील है, स्वयं में व्यवस्थित हैं, ऊर्जित हैं, नियंत्रित हैं और संबंध को पहचानती है, निर्वाह करती है, इस प्रकार से दिखाई देता है। शून्य को देखें तो असीमित है, इसकी कोई सीमा नहीं है, क्रिया शून्य है, इसमें कोई क्रिया नहीं है। इन इकाइयों को ही देखें तो मूल रूप से दो ही तरह की इकाई है, जड़ है और चैतन्य है। जैसे शरीर एक जड़ इकाई है, मैं चैतन्य इकाई हूँ। जो भी जड़ इकाई है उसमें रचना विरचना होती रहती है, वो टेम्पररी है, सामयिक है। जो चैतन्य इकाई है उसमें ऐसी क्रिया नहीं होती रचना विरचना, जैसे ये एक समान बनी रहती है, निरंतर है। तो जड़ इकाइयों में देखें तो सिर्फ पहचाना निर्वाह करना है, चैतन्य इकाई में देखें तो मानना पहचान निर्वाह करना तो है ही, साथ में जानना भी हो सकता है, इसकी संभावना बनी हुई रहती है। अब अगर हम जड़ इकाइयों को अवस्थाओं के रूप में देखें तो एक पदार्थ अवस्था है, प्राण अवस्था है। पदार्थ अवस्था में देखें तो सबसे छोटी इकाई परमाणु है, परमाणु से परमाणु मिलकर अणु बना, अणु से अणु मिलकर अणु रचना बना। अणु रचना मतलब कई अणु एक साथ, अणु एक साथ है ना, तो देखें तो उससे मिलकर पिंड बन सकता है। एक पिंड मतलब जिसका एक आकार निश्चित बना रहे, जैसे भवन एक पिंड है, टेबल चेयर ना कंप्यूटर ये सब पिंड है। दूसरी संभावना है कि उससे रस बने, जैसे हवा पानी ये सब रस है। तो रसों का ही एक प्रकार की जब संरचना बनती है तो उसे प्राण कोश तैयार होते हैं इन रसों से ही। जैसे आप पानी को देखें तो पानी को ही अगर बहुत दिन तक छोड़ें उसमें काई जम जाएगा, काई जम गया मतलब उसमें प्राण कोश बन गई। यही प्राण कोशाएं आपस में सुरचित होकर पेड़ पौधे बनाती हैं। इन्हीं प्राण कोशाओं की एक अलग प्रकार की रचना होती है तो जीव शरीर बनते हैं, एक अलग प्रकार की रचना होती है तो मानव शरीर बनता है। अब अगर हम जीव शरीर को देखें तो जीव शरीर मय के साथ सहअस्तित्व करते हुए जीव अवस्था बन जाता है। मानव शरीर इस मय के साथ सहअस्तित्व करते हुए ज्ञान अवस्था की इकाई यानी मानव बन जाता है। अब अगर पूरी प्रकृति को देखें तो वही चार अवस्था है, पदार्थ अवस्था, प्राण अवस्था, जीव अवस्था, ज्ञान अवस्था। तो दिखता है कि शून्य है, शून्य में पूरी प्रकृति है, प्रकृति में चार अवस्थाएं हैं और यहाँ हम हैं ज्ञान अवस्था के इकाई के रूप में। अब हम में अगर ज्ञान हो जाए, सही समझ सही भाव हो जाए तो मेरे अंदर जो क्रियाएं हो रही थी, इच्छा विचार आशा, उनकी पूर्णता हो जाती है। कैसे? उसके ऊपर की जो क्रिया उन्होंने ब्लैंक रखी हुई थी एक और दो पे, वो ब्लैंक जो क्रियाएं रखी थी वो जागृत हो जाती है, एक्टिव हो जाती है। तो जिससे हमारे अंदर ज्ञान पूरा होता है। जब ज्ञान पूरा होता है तो हमारा जो आचरण है वो मानवीय हो जाता है, निश्चित मानवीय आचरण के साथ हम जी पाते हैं। यही काम कर रहे हैं, जो आपको पर्पल ब्लॉक में दिखा हुआ है यही कुल करने काम है। पूरी अस्तित्व में देखिए सबसे पहले से व्यवस्थित है, इसमें हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ इनके साथ संबंध को पहचानना, निर्वाह करना है। यहाँ अपने को मूल काम करना है ना, ज्ञान के लिए, भाव के लिए, जिससे हमारा आचरण निश्चित हो। और ये काम एक बार हो जाए तो हमेशा के लिए हो गया। जैसे हमको कोई बात समझ में आ जाए वो हमेशा के लिए हमारे समझ में आ गया, वो बना ही रहेगा हमारे अंदर, ऐसा नहीं उसको भूल जाएंगे। और यदि बात हमको समझ में आ जाए तो उससे हमारा आचरण निश्चित हो जाता है। ये विकास है, विकास का मतलब एक बार हो गया और बना रहेगा, इसी को विकास कहेंगे। ये साइक्लिक नहीं है, ये विकास है, एक दिशा में है, इसमें कोई चक्रियता नहीं है। ऐसा नहीं कि समझ गया फिर भूल गया फिर समझ गया फिर भूल गया, ऐसा कुछ नहीं। एक बार समझ गया हमेशा के लिए जान लिया, एक बार मैं को जान लिया शरीर से भिन्न इकाई के रूप में हमेशा के लिए जान लिया, एक बार विश्वास का भाव चिंतन में आ गया हमेशा के लिए आ गया, सहअस्तित्व अनुभव में आ गया हमेशा के लिए आ गया। तो ये विकास है। यहाँ देखे तो कोई विकास नहीं, यहाँ चक्रियता है। तो पेड़ पौधा देखें तो पौधे से शुरू हुआ, पेड़ बना, पेड़ लंबा चौड़ा बना, 100 सालों तक टिका रहा, फिर गिर पड़ा, मिट्टी में मिल गया, वापस पदार्थ अवस्था में चला गया, अणु परमाणु में मिल गया, फिर वहां से एक रचना तैयार हुई, फिर पेड़ पौधे बने, और यहाँ एक चक्रियता है। हमारा शरीर भी ऐसे ही है। तो 70 साल जिए, 80 साल जिए, 100 साल जिए, अल्टीमेटली शरीर वापस मिट्टी में चला गया।
ठीक, फिर उस मिट्टी में पौधा पनपा, पौधे से फल और सब्जी तैयार हुई और फिर किसी शरीर के पोषण में लग गया, ऐसा ही है, चक्रियता है यहाँ पर। यहाँ देखे तो कोई चक्रियता नहीं है, सेल्फ में एक दिशा में काम हो रहा है। तो दिखाई देगा आपको पूरे अस्तित्व में ये सब कुछ पहले से ही व्यवस्था में है, सिर्फ यही एक भाग शेष है जो करना है अपने को, यही कुल करने वाला काम है, बाकी सब कुछ पहले से ही व्यवस्थित है। तो सार संक्षेप देखें तो उसकी बात ये कही जा रही है कि अस्तित्व सांस्कृतिक रूप में नित्य वर्तमान है, हमेशा से था है और रहेगा और सांस्कृतिक के रूप में है, और यही मूल बात है। और अस्तित्व में जो मूल बात है कि सांस्कृतिक है, तो अस्तित्व बराबर सांस्कृतिक। इस प्रकार जो शून्य है, व्यापक है, असीम है, इसी में सारी इकाइयां जो सीमित आकार की हैं, क्रियाशील हैं, यही इसमें संपृक्त हैं। इस बात को मैं देख पाता हूँ, यही मेरे ज्ञान की पूर्णता है। इसको एक नाम दिया अनुभव, आगे बात करेंगे उस पर, ये बात हमको दिख जाए। तो अस्तित्व में प्रत्येक इकाई दूसरी इकाई से संबंधित है तथा परस्पर पूरक है। अस्तित्व सहस्तित्व है, व्यवस्था तथा संबंध प्रकृति में है ही, इसे बनाना नहीं है। तो मानव के लिए करने वाला काम क्या है, सिर्फ इतना ही, सहस्तित्व व्यवस्था तथा संबंध को समझना है और ऐसा ही जीना है। और दिखाई देगा कि इसके लिए अस्तित्व में हर प्राविधान है, हमें सहस्तित्व को देखने समझने में कोई बाधा नहीं है, सिर्फ अपनी प्रायोरिटी सेट करने की बात है, सिर्फ हमको ध्यान देने की बात है। अभी हमको बाकी चीजें महत्वपूर्ण लगती है तो उन पर ध्यान देते हैं। जिस दिन ये दिख जाएगा कि यही महत्वपूर्ण है, इसी से सुख है, इसी से समृद्धि का भाव भी तैयार होगा, इसी के लिए काम करेंगे। तो मूल काम इतना ही, अस्तित्व व्यवस्था का संबंध को समझना है और ऐसा ही जीना है। ये हो पाता है हमारे अंदर तो हमारे अंदर दो क्रियाएं जागृत होती हैं, एक को कहा अनुभव, दूसरे का बोध। अनुभव का मतलब क्या, अस्तित्व बराबर सहस्तित्व दिख्या, संपृक्तता, किस प्रकार पूरी प्रकृति शून्य में संपृक्त है, हमको जैसा है वैसा दिख्या, इसको नाम दिया अनुभव। इससे पूरी प्रकृति की जो व्यवस्था है उसका हमको बोध होता है, समझ में आ जाता है। ये होता है तो इच्छा में जो भाव बनते हैं वो भाव हमारे सहज स्वीकृत होते हैं। तो इच्छा में भी एक चिंतन की क्रिया जुड़ी है, उससे हमारे अंदर जो भाव तैयार होते हैं है ना, वो सहज स्वीकृत होते हैं, उससे हमारा विचार व्यवस्थित होता है, उससे हमारी आशा व्यवस्थित होती है, इससे पूरा का पूरा मैं व्यवस्थित हो पाता हूँ, सेल्फ व्यवस्थित हो पाता है, तो मेरी कल्पनाशीलता व्यवस्थित हो जाती है, फिर मेरा उससे व्यवहार कार्य व्यवस्थित हो जाता है। यही स्वयं में समझ का पूर्ण होने का प्रमाण है, तो मेरे में समझ पूरा हो गया। तो जो बात आ रही थी है ना, तो अल्टीमेटली देखें तो ये करने काम है कि हमारे को अनुभव हो जाए, पूरा अस्तित्व सहस्तित्व के रूप में दिख जाए। ठीक है, क्योंकि एक शब्द कई दिनों से आ रहा था, उसको यहाँ पे बहुत ही संक्षेप में रखें, उसे बात ज्यादा नहीं करेंगे। ये जो मुझ में अनुभव करने का बल है, इसको ही नाम दिया आत्मा। आत्मा हमारा एक बल है, एक क्रिया है, तो इसमें ही मुझ में ही वो क्रिया होनी है। बट वही है कि अभी ये जागृत नहीं है, इसको जागृत करने की जरूरत है। कैसे होगा, इसी विधि द्वारा होगा। तो यहाँ तक पहुंचा जा सकता है, परंतु उसके लिए थोड़ा होमवर्क कर लिया जाए। अभी अगर हम सुविधाओं में उलझे हैं, संवेदनाओं में उलझे हैं, दूसरे से भाव पाने में लगे हुए हैं, तो ये काम नहीं हो पाएगा, है ना। उसके लिए थोड़ी तैयारी तो करनी पड़ेगी, तब जाकर कल्पनाशीलता में भी इच्छा ठीक से विकसित होगी। अभी तो हमारी इच्छा भी नहीं बनती है, अभी तो हमारी आशा के स्तर पर ज्यादा समय जीना होता है। आशा मतलब कुछ बाहर से मिल जाए, दूसरा में अच्छा भाव दे दे, कोई अच्छी संवेदना मिल जाए, बाहर समाज ठीक हो जाए कुछ हो जाए, परिवार ठीक हो जाए, अगला सुधर जाए, है ना, प्रकृति में कुछ ऐसा हो जाए। अभी हम बहुत सारे समय आशा के स्तर पर जीते रहते हैं, जिसमें बाहर कुछ हो जाए, गर्मी हो रही है, बारिश हो जाए, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, बहुत सारी चीज आशा के रूप में लगाए रखते हैं। कैसे हो, ये विचार की वस्तु है, है ना। परंतु हम अपने आप में एक ह्यूमन बीइंग के रूप में क्या होना चाहते हैं, ये क्रियाशीलता इच्छा की वस्तु है। तभी तो आपको समय लग सकता है, हम सबको समय लगता है ये 5 फीट के 3 पे जाने में, फिर उससे और आगे बढ़ेंगे तो अपने अंदर अनुभव बोध की क्रिया भी जागृत होगी, तब ज्ञान की पूर्णता है। तो एक सतत प्रक्रिया है, अगर हम ठीक से देखें, अगर हम कह रहे हैं कि सही समझ हमारी पहली वरीयता है, यही हमारा विकास क्रम है ना, इसी दिशा में आगे बढ़ना है, इसके लिए जितना भी समय हम लगाएं अल्टीमेटली वो उपलब्धि है। हमको एक बार वरीयता दिख जाए, फिर कोई हड़बड़ी नहीं है, क्योंकि अगर यही करने का काम है तो फिर ये हम सोचना रोक देते हैं कि कल हो जाएगा, परसों हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो आशा के स्तर का काम है कि कल हमको पूरी बात समझ में आ जाए, कि एक साल में समझ में आ जाए। हमको दिखता है कि यही मेरा कार्यक्रम है, ठीक है ना, तो हम इसी अर्थ में काम कर रहे होते हैं।
ऐसा होता है मेरे अंदर तो हम निरंतर सुखी रह पाते हैं, यही हमारी वांछित स्थिति है। तो इतने के बाद एक क्विज रख लेते हैं, काफी सारी बातें हुई तो अभी तक इतनी बात की गई उसका निष्कर्ष है ना किस रूप में है तो आप देख पाएंगे यहाँ पे। जी कुमार नमस्ते, कुछ का समय समाप्त हो चुका है तो हम लोग सेशन को आगे बढ़ा सकते भैया, स्वागत है। ठीक है भैया, ठीक है। अगर एक दो प्रश्न तो अभी ले लेते हैं, बात को आगे बढ़ाते हैं। जी जी भैया ठीक बात है, लिया जा सकता है। तो चैट में भी कुछ प्रश्न थे, गहराई से सोचने का प्रयास कर रहे हैं। जी जी दिनेश जी कुछ कह रहे हैं भैया, वो जो आप एक वर्कशॉप करवा रहे हैं इसमें क्या ऐसी व्यवस्था कुछ है कि लंबे समय तक भविष्य में अटेंड किया जा सकता हो, 5 दिन से ज्यादा? देखिए एक तो अभी ऑनलाइन ही वर्कशॉप हो रहे हैं, फेस टू फेस वर्कशॉप तो अभी हम लोग प्लान नहीं कर रहे हैं जी जी कोरोना के कारण ना। हाँ, तो इसमें भी हम लोग ना जैसे रिफ्रेशर वर्कशॉप करते रहते हैं, रिफ्रेशर पार्ट 1 पार्ट 2 इवन हायर लेवल वर्कशॉप। तो देखिए मुख्य काम तो अपने आप में देखने का है, तो हम लोग इस बात को एक साल पहले हम लोग को बहुत क्लियर नहीं था, परंतु देखने ऑनलाइन मोड में काफी कुछ ये काम हो पा रहा है जी। तो इस तरह वर्कशॉप अगर आप अटेंड करते रहें और अपने एंड पे आप काम करते रहें अपने ऊपर जी है ना, तो बहुत उपकारी रहेगा। और फिर जब फेस टू फेस वर्कशॉप होगा तो बिल्कुल उसमें स्वागत है, आप आइए और साथ में बैठ के चर्चा करेंगे, खाएंगे पिएंगे करेंगे। जी सर धन्यवाद। सुषमा दास जी। सर संपर्कता शब्द से मैं अनभिज्ञ थी और ये आज भी मुझे बहुत अच्छे से क्लियर नहीं हो पाया। संपर्कता का अर्थ तो वही है जो तीन बातें बताएं कि हर इकाई शून्य में बनी रहती, ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचानती है, निर्वाह करती है। ठीक, इसको संपर्क कह रहे हैं। एक शब्द है, आप इसकी जगह कोई और शब्द रख ले, मुख्य मुद्दा तो उस वास्तविकता को देखने का है। जी जी सर है ना, धन्यवाद सर। प्रश्न अभी नहीं ले पाएंगे, हम लोग आगे चलते हैं, फिर समय निकलेगा तो फिर और प्रश्न लेंगे। तो अब सार संक्षेप को एक बार देख लेते हैं, इन 5 दिनों में जितनी हमने बात की उसका सार क्या है। तो मूल्य का अर्थ पहले दिन भी रखा गया था और ये स्पष्ट होना और सहज हो जाता है जब अस्तित्व की व्यवस्था की बात कर लेते हैं। तो दिखता है कि हर इकाई अपने से बड़ी व्यवस्था में भागीदार है। किस प्रकार, जैसे कलम का मूल्य है कि कलम लिखने में मदद करती है, शिक्षा में भागीदारी है। पानी का मूल्य है कि पानी प्यास बुझाती है ना, स्वास्थ्य में भागीदारी है। अब ऐसे अपने ऊपर देखें, अपने बारे में देखें तो दिखा है कि मेरे अंदर क्रियाएं हो रही है, इच्छा विचार आशा। अब ये मेरी इच्छा विचार आशा ये मेरे सुख में भागीदार है या नहीं है, तो इनकी भागीदारी मेरे सुख के अर्थ में हो जाए, यही इन क्रियाओं का मूल्य है, उसी को नाम दिया सुख शांति संतोष आनंद। फिर आपके शरीर का मूल्य है, एक मानव रूप में आपकी व्यवस्था में भागीदारी है। परिवार में आपका जो मूल्य है, परिवार की व्यवस्था आपकी भागीदारी है। समाज में आपका मूल्य जो है, समाज की व्यवस्था आपकी भागीदारी है। तो हमें देखना होगा कि हम इस मूल्य का कितना ठीक ठीक समझने काम कर पा रहे हैं, निर्वाह कर पा रहे हैं, हम कितने मूल्यवान हो पा रहे हैं अपने परिवार के लिए, समाज के लिए, प्रकृति के लिए। प्रकृति में जो आपका मूल्य है वो प्रकृति व्यवस्था में आपकी भागीदारी है। तो मूल्य तो निश्चित है, उसको जितना हम समझ पाते हैं, जी पाते हैं, उतना हम उस अर्थ में भागीदार हो पाते हैं। अस्तित्व में जो आपका मूल्य है, अस्तित्व में आपकी भागीदारी है। तो कार्यशाला द्वारा हमने देखा कि मानव के जो सार्वभौमिक मूल्य है उनको समझा जा सकता है, उसी को समझने का प्रयास कर लें। आपको ये भी दिखाई देगा कि हर मानव का मूल्य इसी प्रकार से है। तो मूल्य क्या है वो हमको समझ में आए, एक तो बात ये। अब अगर हम सारे जो मूल्य है उनकी बात करें तो इतने स्तरों पर हमने व्यवस्था को समझने का प्रयास किया। जो मूल मुद्दा है वो सहअस्तित्व का है, अस्तित्व बराबर सहअस्तित्व। आज हमने जो अस्तित्व की बात की तो सहअस्तित्व को हमने विस्तारित किया और इसके विवरण में अगर यहाँ दिखता है कि किस प्रकार मानव में सहअस्तित्व को अनुभव करने की क्षमता है और किस प्रकार सहअस्तित्व बना हुआ है, हर इकाई कैसे शून्य में बने रहते हुए ऊर्जित है, नियंत्रित है, परस्परता को पहचानती है, निर्वाह करती है। कल जो प्रकृति की बात कर रहे थे तो परस्पर पूरकता की बात निकल कर आई थी। अब ये परस्पर पूरकता भी क्या है, अगर आप देखें तो सहअस्तित्व का ही प्रकटन है। इसी सहअस्तित्व के आधार पर कैसे बीज पौधे का रूप लेता है, फिर पौधे से वृक्ष बनता है, और कैसे मिट्टी हवा पानी के साथ ही भागीदार हो पाता है, पशु पक्षी के साथ हो पाता है, हमारे साथ हो पाता है,
वैसे पशु पक्षी हैं, वैसे मिट्टी हवा पानी है, किसी परस्पर पूरकता है, इन सब के आधार में शून्य है और इस अस्तित्व का ही प्रकटन है। इसके विस्तार में गए तो व्यवस्था को समझा, संबंध को समझा और ये भी दिखता कि मानव में उस व्यवस्था को समझने और जीने की क्षमता है। जब समाज की बात की तो मानव लक्ष्य रूप में चार लक्ष्यों को पहचाना, समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व। अभी समाधान भी क्या है? अस्तित्व को देख पाना, उसके आधार पर अपने विचार को व्यवस्थित कर पाना, यही समाधान है। समृद्धि क्या है? परिवार में अस्तित्व को देख पाना, किस प्रकार साथ साथ जीते हुए आवश्यकता की पूर्ति कर सकते हैं। अभय क्या है? मानव मानव के साथ समाज में कैसे अस्तित्व पूर्वक जी सकता है, यही अभय। और प्रकृति के साथ अस्तित्व तो है। तो इस चार लक्ष्यों को भी देखें तो इसके मूल में अस्तित्व का भाव ही है। हमने मानव प्रकृति संबंध को समझने का प्रयास किया और मानव में स्वयं तथा परिवार के रूप में समाज के विभिन्न आयामों में भागीदारी करने की जो क्षमता है उसको देखने समझने का प्रयास किया। परिवार में जिन भावों की बात की, विश्वास, सम्मान, प्रेम, तप, ये भी सारे अस्तित्व के ही भाव है। जब मैं कह रहा हूँ कि मैं आपको सुखी करना चाहता हूँ, आप कह रहे हैं आप मुझे सुखी करना चाहते, यही तो अस्तित्व है। मैं आपका जब सही आकलन करता हूँ, मेरा जब सही आकलन करते हैं तो हम अस्तित्व का निर्वाह कर पाते हैं, चित्त। यही अस्तित्व का भाव मुझे हर एक मानव के साथ दिखाई देता है, वही मैं प्रेम कहता हूँ। तो मानव मानव संबंध को समझने का काम किया, मानव में सही भाव को समझने की क्षमता ये भी दिखाई दिया और उभय सुखपूर्वक जीने की क्षमता है। वैसे ही अगर स्वयं और मानव के रूप में देखें तो मैं और शरीर, यानी स्वयं तथा शरीर के अस्तित्व को हमने समझने का प्रयास किया तो वहां भी अस्तित्व दिखाई देता है कि मैं और शरीर कैसे अस्तित्वपूर्वक बने हुए। तो मैं शरीर का संबंध, उसमें किस तरह सूचनाओं का आदान प्रदान हो रहा है, कैसे संयम और स्वास्थ्य का सुनिश्चितता हो रही है ना, तो स्वयं में संयम भाव को समझने की जो क्षमता है उस पर ध्यान गया। वैसे ही जब अपने बात करते हैं तो निरंतर सुख जिसको कह रहे हैं ना, वो अल्टीमेटली क्या है? तो जो हम लोगों ने परंपरा में शब्द प्रयोग किए हैं, सुख, शांति, संतोष और आनंद, और ये आनंद मंत्रालय अगर देखें तो उसके मूल में क्या है, ये आनंद का मतलब ही क्या है? हम लोग आनंद शब्द का प्रयोग तो जरूर करते हैं। ये जो मेरे अंदर अस्तित्व का अनुभव होता है उसके आधार पर जो मुझे पूरी व्यवस्था समझ में आती है उसको नाम दिया आनंद। तो आनंद की स्थिति बनती है मेरी जब मैं पूरी व्यवस्था को इस अस्तित्व के अनुभव के आधार पर समझ पाता हूँ। जब ऐसा होता है तो मेरी इच्छा निश्चित होती है जिसको मैं संतोष के रूप में देख पाता हूँ कि अब मेरे इच्छा में वितरेक नहीं रहा, इच्छा में भगदड़ चली गई, इच्छा में अंतर विरोध चला गया। अब इसको अनंत इच्छा कहते हैं, अब वो अनंत नहीं रही है ना, उसका दिखता है कि निश्चित इच्छाएं हैं। जो भी इच्छा है वो व्यवस्था के अर्थ में, संबंध के अर्थ में, अस्तित्व के अर्थ में, इसी को नाम दिया संतोष। जब ऐसी स्थिति इच्छाओं की बनती है तो विचारों में शांति होती है, अब उनके अंदर वो क्लेश, चिंता है ना, वितरेक वो सब चला गया, शांति की स्थिति बनती है। फिर जो हमें आस्वादन होता है आशा में, हर बार सुख का होता है, यही निरंतर सुख है। तो हमारे अंदर निरंतर सुख से जीने की इच्छा तो बनी हुई थी है ना, उसी को हमने समझने का प्रयास किया। सही समझ, सही भाव, सही विचार कि हमारे अंदर क्षमता है ही, और इसको जब मैं पूरा कर पाता हूँ तो परस्पर तृप्तिपूर्वक व्यवहार और कार्य कर पाता हूँ, ये पोटेंशियल हम सब में है। अब इसको देखें तो यही जो शब्द प्रयोग हुए ना यहाँ पे, यही सारे मूल्य हैं, सार्वभौमिक मूल्य, परस्पर पूरकता, समाधान, समृद्धि, अभय, अस्तित्व। तो अगर सार संक्षेप में देखें तो ये सारे मूल्य हैं जिसको हमने समझने का प्रयास किया है, और इसके मूल में, सारे मूल्यों के मूल में अस्तित्व है। तो अब इससे कार्यक्रम क्या निकलता है, इस पूरी बात को देखने, सोचने, समझने से कार्यक्रम क्या निकलता है? तो अगर अपने लिए बात करें, हमारे लिए क्या कार्यक्रम है, तो व्यवस्था को समझना, व्यवस्था में जीना। इस बात को थोड़ा इंटरनलाइज करने की जरूरत है कि अल्टीमेटली एक मानव के रूप में मेरा जो मूल काम है वो तो यही है, समझना और जीना। तो जो भी हम सुविधाओं के स्तर पर कर रहे हैं वो भी इसी अर्थ में है कि नहीं उसको परिभाषित कर लें। जो हम संबंधों का निर्वाह कर रहे हैं वो भी इसी अर्थ में है कि नहीं उसको परिभाषित कर लें। जो हम अपने आप में कर रहे हैं वो भी इसी अर्थ में है कि नहीं। तो अस्तित्व के सभी स्तरों पर है ना हमको व्यवस्था समझ में आए तो आपको दिखाई देगा कि एक काम तो है स्वयं में जांचने का। जैसे प्रस्ताव आपके सामने गया इस शिविर में, अब आप इसको अपने आधार पर जांचते हैं, अपने अधिकार पर जांचते हैं, जिससे समझ की व्यवस्था की समझ बनती है, जिससे आपका भाव विचार व्यवस्थित होता है, जिससे आपका व्यवहार कार्य और भागीदारी जो है ना ऊपर से पूरक हो पाती है। ये काम है जो अपने अंदर हर क्षण करने की जरूरत है। फिर इसके साथ एक और चीज बनेगी आपके अंदर जिसे कहते हैं स्वयं सजगता, कि जैसा मैं वास्तव में होना चाहता हूँ उसको समझने का काम यहाँ किया आपने। अब जैसा मैं हूँ उसके प्रति अवेयरनेस हो गई, मेरी इच्छा विचार आशा में क्या चल रहा है, आज के दिन मैं कितने भाव विचार संबंध के अर्थ में रखता हूँ, कितना विरोध के अर्थ में, कितनी व्यवस्था के अर्थ में, कितना अव्यवस्था के अर्थ में, कितना अस्तित्व के अर्थ में, कितना संघर्ष के अर्थ में, इसका हम आकलन कर पाते हैं, इसके प्रति सजग हो पाते हैं है ना। और जब सजग होते हैं तो आकलन भी हो जाता है, क्योंकि हमको सही का प्रस्ताव मिला हुआ है, स्थिति उससे भिन्न दिखाई देती है, तो
तो अपने आप में आकलन भी शुरू हो जाता है। अब ये तीन काम है ना, इसको अंग्रेजी में अगर कहते हैं सेल्फ एक्सप्लोरेशन, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ इवैल्यूएशन, ये तीन काम हैं जो अपने अंदर करने की जरूरत है। इसको जितना हम सतत रूप से करेंगे उतना उतना क्रमिक रूप से हमारा विकास होगा। और आपको हर दिन आपने अपने आप में एक शिफ्ट दिखाई देगा, आपके भाव विचारों में, आपके व्यवहार में, आपकी अपनी स्वयं की स्थिति में, आपके सुख में, आपके समृद्धि के भाव में आपको इसमें शिफ्ट दिखाई देगा। तो वास्तव में आप जो होना चाहते हैं, आपकी जो सहज स्वीकृति है, उसके आधार पर आप जो हैं वो व्यवस्थित हो जाता है। आपका इच्छा विचार आशा आपकी योग्यता बढ़ती चली जाती है, लाइफ साथ में व्यवस्थित होती चली जाती है। ये काम है जो स्वयं में करने योग्य है। अब अगर समाज के स्तर पर देखें तो क्या किया जाए, क्योंकि समाज को लेकर हम बहुत कंसर्न रहते हैं, समाज में हमको समस्याएं दिखाई देती हैं, है ना, बहुत सारा मानव मानव संबंध को लेकर, प्रकृति संबंध को लेकर हमको दिखाई देता है, तो हम लोग कई बार उज्ज्वलित हो जाते हैं, उससे पीड़ित हो जाते हैं, और हमको लगता है कि कोई ना कोई इसमें आंदोलन करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे अचानक दो दिन में कुछ परिवर्तन हो जाए। परंतु जब समाज के आधार पर देखते हैं तो दिखता है कि मूल काम तो इसमें शिक्षा का है, क्योंकि वो मनुष्य ही है जो गलती कर रहा है और मनुष्य ही है जिसको ठीक होना है। तो एक काम हो सकता है कि अलग अलग क्षेत्र के कार्यक्रमों के, व्यवसाय के, वर्ग के लोगों से बात है ना किया जाए, तो वयस्कों के लिए कुछ काम किया जाए। अब सही समझ, सही भाव रखने वाले जो मानव है वो माता पिता के साथ, नीति निर्धारकों के साथ, शिक्षकों के साथ, जेल के जेलर के साथ, वकील के साथ, डॉक्टर के साथ, इन सबके साथ कुछ ना कुछ वर्कशॉप कर सकते हैं, जिसको कहते हैं लोक शिक्षा। तो जो लोग बड़े हो गए हैं, कुछ ना कुछ कार्यक्रमों में लगे हैं, कम से कम उन तक तो सही वस्तु पहुंच जाए, इससे समाज में एक अनुकूलता बनती है। तो जैसे अगर हम लोग अपने इस कार्यक्रम को देखें तो पहले यहीं से शुरू हुआ, लोक शिक्षा से, गाँव में, शहर में, स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह अलग अलग जगहों पर अलग अलग तरीके से काम किया गया, उससे कुछ एक अनुकूलता बनी, प्रेरणा बनी, माता पिता के साथ काम किया गया, कोई ऐसा समाज का वर्ग नहीं रहा जिसके साथ काम नहीं हुआ, तो उसका देख जो अनुकूलता बनी उससे आगे बढ़ के काम एक शिक्षा संस्कार का कार्यक्रम बन पाया। तो आज के दिन जो पहले दिन भी बात हो रही थी कि AICTE ने हायर एजुकेशन में, टेक्निकल एजुकेशन में सभी के लागू किया हुआ है, अब उसकी बात हो रही है कि दूसरे जो सेक्टर्स हैं एजुकेशन के वहाँ भी बात हो, तो शिक्षा संस्कार का एक कार्यक्रम तैयार हो सकता है बच्चों के लिए। तो उसमें जो सही समझ, सही भाव रखने वाले मानव जिनके अंदर तैयार हो गया है ना, वो एक निश्चित मानवीय आचरण वाले मानव, सार्वभौम व्यवस्था में जीने वाले मानव, ये ऐसे मानव शैक्षणिक पाठ्यक्रम को तैयार कर सकते हैं, सामाजिक रूप से प्रासंगिक उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, ऐसी योजनाएं बना सकते हैं, अनुकूल वातावरण बना सकते हैं जिससे प्राइमरी से लेकर हायर एजुकेशन तक ये वस्तु जा पाए। इसके लिए आप सभी भागीदार हो सकते हैं, हम सबकी अपनी अपनी एक बैकग्राउंड है, योग्यता है इसमें कॉन्ट्रीब्यूट करने के लिए, परंतु पहले अपने ऊपर ठीक से काम हो जाए फिर हम लोग इसमें भागीदारी कर पाएंगे। इसको कहा शिक्षा संस्कार कार्यक्रम। तीसरा है कि सिर्फ शिक्षा ही क्यों, जो समाज के अन्य व्यवस्थाएं हैं उसके साथ भी काम हो, तो उसमें हम उत्पादन में काम कर सकते हैं। तो जैसे खेती कर रहे हैं तो खेती को कैसे व्यवस्थित किया जाए, तो कुछ लोग नेचुरल फार्मिंग पे काम कर सकते हैं, कुछ लोग है ना कुछ और विधियों से सोच सकते हैं उसको काम करने के लिए। कोई स्वास्थ्य में काम कर सकता है, कोई नदी के जल को संरक्षण करने के लिए काम कर सकता है, कोई मिट्टी के संरक्षण के लिए काम कर सकता है, कोई वितरण की व्यवस्था को ठीक करने के लिए काम कर सकता है। तो अगर आधार में समझना है तो उसके साथ हम समाज के हर आयाम में भागीदार हो सकते हैं, जिससे ये मानव का जो लक्ष्य है ये पूरा हो पाए। इसको कहा अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था के लिए कार्यक्रम। अब अगर क्रम से देखें तो परिवार में काम हो, फिर परिवार समूह में, गाँव में, फिर करते करते पूरे विश्व परिवार में काम हो सकता है। अब अगर सिर्फ पहले वाले काम को किया जाए तो इससे काफी संभावना है कम से कम 10 साल में एक व्यक्ति को तो बात अपील कर ही सकती है, और वो व्यक्ति अगले 10 वर्षों में कम से कम 10 लोगों तक बात ठीक से पहुंचा सकता है जिनका ये निष्ठा बन जाए कि यही समझना है, यही जीना है। तो 100 वर्षों में तो 1,000 करोड़ लोग कवर हो सकते हैं, धरती की कुल आबादी देखते तो 750 करोड़ से थोड़ी ऊपर है, तो कम से कम है ना 100 वर्षों में तो इतनी संभावना दिखती है सिर्फ लोक शिक्षा से। अगर यही बात शिक्षा संस्कार में आ जाए तो 20 से 50 वर्षों में हो सकता है, जैसे अभी अपने को दिखाई दे रहा है कि शिक्षा संस्कार आने के बाद इसकी गति बढ़ जा रही है। और एक तो एक बात भी ऑब्जर्वेशन में आया कि इस तरह के जो दूरदर्शन, दूर श्रवण के माध्यम है, इंटरनेट के माध्यम से ये बात और सहजता सरलता से पहुंचाई जा सकती है, तो ये समय और भी घट सकता है। जैसे यही बैठे हुए विश्व के हर मानव तक बात पहुंच सकती है, तो इसकी भी एक संभावना है ना कि कम समय में हो जाए। और यदि ये व्यवस्था के हर आयाम में काम होने लगे
तो संभावना और बढ़ेगी, तो और कम समय लगेगा। परंतु इसके मूल में है हम सबका तैयार होना, और उसके मूल में आपका तैयार होना, मेरा तैयार होना। तो हमको जब बात दिखेगी, समझ में आएगी, तब हम दूसरों तक उसको ठीक ठीक पहुंचा पाएंगे और उसको प्रमाणित भी कर पाएंगे। ये पूरा एक क्रम दिखाई देता है समाज के स्तर पर। तो मैं कहूंगा कि इस ऑनलाइन कार्यशाला की अपनी सीमाएं थी, परंतु उसके माध्यम से भी बहुत सारा आपके साथ संवाद हो पाया और हम लोगों ने पूरे गहराई और विस्तार से बात किया। परंतु सारे प्रश्नों को तो इस वर्कशॉप में लेने से ऐसा भी सोचा किसी की बहुत जिज्ञासा हो उस प्रश्न को समझने की, उसका उत्तर पाने की, परंतु अन्य लोगों की ना हो। तो हम लोग तो रेगुलर मीटिंग भी किया करते हैं और ये भी प्लान हो रहा है कि राज्य आनंद संस्थान के लिए एक वीकली मीटिंग शुरू हो, जिसपे इस तरह के प्रश्नों को और लिया जा सकता है, प्लस जीने से जुड़े हुए प्रश्नों में बात कर सकते हैं। तो इससे आपके अंदर एक जांच पर की आवश्यकता की और आपका ध्यान गया होगा, और ऐसा दिख रहा है कि गया है काफी हद तक। और हम इस बात की आश्वस्त है कि आपके अंदर जांच पर की शुरुआत हुई है, उसे बल मिला है। यदि आप इस वस्तु तक प्रक्रिया की संभावना देख पाते हैं तथा स्वयं की क्षमता और अपने परिवार, अपने संस्थान, अपने समाज, अपने देश की क्षमता को देख पाते हैं, तो आप अवश्य इसके लिए आवश्यक प्रयास करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पुनः सुनिश्चित करेंगे। और आप सब में इस पूरी बात को समझने, जीने, भागीदारी करने की पूरी संभावना है अपने हजारों मानवों को उनके पूर्ण विकास कार्यक्रम में सहायक होने के लिए। एक एक व्यक्ति अगर ठीक से निर्णय ले पाए तो अपने शरीर यात्रा में तो बहुत सारा अपने लिए भी उपकार का काम कर सकता है और समाज के लिए भी। परंतु ये हमको ध्यान रहे कि हम है ना कोई अलग से उपकार नहीं कर रहे, इससे तो हम ही सुखी होने वाले हैं। हमारे सुखपूर्वक जीने के लिए यही कार्यक्रम है या यह भी कार्यक्रम है। तो एक स्थिति होती है जब हमको लगता है कि सुखपूर्वक जिया ही नहीं जा सकता, कोई कार्यक्रम नहीं है, वहां से हम शिफ्ट लेते हैं, हमको लगता नहीं यह भी एक कार्यक्रम है, ऐसे भी हुआ जा सकता है, इससे और आगे शिफ्ट मिलेगा आपको, तो आपको दिखा दे यही कार्यक्रम है, इसके अलावा हम कुछ भी करेंगे उसमें सुख नहीं है। बिना समझे हम कुछ भी करेंगे, कितना भी बड़ा काम कर ले है ना, उसमें सुख नहीं है, ना मेरा ना अगले व्यक्ति का। तो ये नहीं से भी और भी से ही पे शिफ्ट होने में थोड़ा समय तो लग सकता है, परंतु संभावना तो है एक न्यायपूर्ण और न्याय संगत समाज का स्रोत बनने के लिए, है ना, हम सब में ये पात्रता है।